हमारे मुख्य अतिथि एवं हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर मेजर सिंह खेरा जी, प्राचार्य गुरु नानक खालसा कॉलेज करनाल, श्री धीरज शर्मा जी, उप निदेशक एवं नगर राजभाषा कार्यक्रम समिति करनाल के संयोजक, गुरु नानक खालसा कॉलेज के सभी अध्यापकगण, यूको बैंक अंचल कार्यालय के अंचल प्रमुख श्री के श्रीनिवासा राव जी, विभिन्न बैंकों एवं केंद्र सरकार के कार्यालयों से पधारे मेरे सभी राजभाषा अधिकारी साथी, गुरु नानक खालसा कॉलेज के सभी विद्यार्थी तथा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से जुड़े हुए हमारी शाखाओं के स्टाफ सदस्य तथा हमारे अन्य अंचल कार्यालयों से भी जुड़े हुए मेरे सभी साथी, आप सभी का आज यूको बैंक जीटी बिरला स्मृति व्याख्यान माला में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज गुरु नानक खालसा कॉलेज के परिसर में हम सभी हमारे बैंक के संस्थापक, यूको बैंक के संस्थापक, देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले तथा उद्योग स्थापना करने वाले आधुनिक युग के निर्माता श्री घनश्याम दास बिरला जी की स्मृति में यूको बैंक जीटी बिरला स्मृति व्याख्यान माला के आयोजन हेतु एकत्रित हुए हैं। मैं इस व्याख्यान माला में एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले प्राचार्य महोदय डॉक्टर मेजर सिंह जी का धन्यवाद करना चाहूंगी तथा इसके साथ ही गुरु नानक खालसा कॉलेज के सभी अध्यापकों का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने इस आयोजन हेतु हमें इतना भव्य व सुनियोजित परिसर उपलब्ध कराया है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारा आज का जो विषय है वो रहेगा आधुनिक प्रबंधन और श्रीमद् भगवद गीता, एक व्याख्यात्मक विश्लेषण। इस विषय पर आज जो है हम इस व्याख्यान माला का आयोजन किया है। हमें आज मुझे पूरा विश्वास है कि इस व्याख्यान माला से हम सभी लोग हमें जरूर हम आज यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसी चीज लेके जाएंगे जो हमें पता तो है पर फिर भी हमारी मतलब अनदेखी हो जाती है या हम उसको समझ नहीं पाते, तो आज जरूर हमें वो लाभ यहाँ से मिलेगा। सबसे पहले कार्यक्रम शुरू करने से पहले अब मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी यूको बैंक के अंचल प्रमुख श्री के श्रीनिवासा राव जी सर का तथा हमारे मुख्य प्रबंधक श्री श्रीकांत सर का। सर, श्री बलोटिया सर, मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तथा हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर मेजर सिंह खेरा जी का तथा मैं अनुरोध करूंगी कुछ को कुछ देके उनका स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री धीरज शर्मा जी का, जो कि सर के लिए मैंने बताया सर हमारे नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति करनाल में उप निदेशक के पद पर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुरोध करूंगी बलोटिया सर से कि सर कुछ पूछ देके सर का स्वागत करेंगे। Thank you.
साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यूको बैंक के संस्थापक श्री जी डी बिड़ला जी के बारे में हम इनके बारे में अभी सर से भी विस्तृत रूप से सुनेंगे, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि श्री जी डी बिड़ला जी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि वाले थे, बचपन से ही पढ़ाई में काफी होशियार थे, वे माता पिता के सबसे ज्यादा चहेते थे। व्यापार करना तो जैसे बचपन से ही उनके उनकी जैसे कहते हैं हम कि उनकी रग रग में समाया हुआ था। अब मैं इस चीज को और आगे विस्तृत से बताने के लिए मैं अनुरोध करूंगी हमारे अंचल प्रमुख श्री के श्रीनिवासा राव सर से कि वे सभी का स्वागत करें तथा हमारे बैंक के संस्थापक श्री जी डी बिड़ला जी के बारे में आप सभी लोगों को विस्तृत रूप से बताएं तथा हमारे अंचल कार्यालय के बारे में, हमारे बैंक के बारे में थोड़ी जानकारी दें। सर कृपया तालियां बजाते रहें। नमस्कार। आज की कार्यक्रम का मुख्य अतिथि डॉक्टर मेजर शिव खेरा जी, प्राचार्य गुरु नानक खालसा कॉलेज करनाल, श्री धीरज शर्मा जी उपनिदेशक राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRA करनाल, गुरु नानक खालसा कॉलेज के अध्यापकगण, विभिन्न बैंकों एवं केंद्र सरकार के कार्यालयों से शामिल हुए अधिकारीगण, गुरु नानक खालसा कॉलेज के विद्यार्थी तथा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से जुड़े हुए हमारा स्टाफ सदस्य, प्रत्येक वर्ष हमारे बैंक द्वारा सभी अंचल कार्यालयों में हमारा बैंक के संस्थापक श्री घनश्याम दास बिरला जी की स्मृति में यूको बैंक जी डी बिरला स्मृति व्याख्यानमाला का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में आज हम यहाँ व्याख्यानमाला का आयोजन कर रहे हैं जिसका विषय आधुनिक प्रबंधन और श्री मत भागवत गीता एक व्याख्यानमाला विश्लेषण है। इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, हम सबसे पहले हमारे बैंक के संस्थापक श्री जी डी बिरला जी के जीवन परिचय से आपको अवगत करवाना चाहते हैं। यूको बैंक की स्थापना श्री जी डी बिरला जी द्वारा 6 जनवरी 1943 को की गई थी। हमारा बैंक की अहमदाबाद, निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत देश भर में 3050 शाखाएं था और 2 शाखा विदेशों में भी हैं, हांगकांग और सिंगापुर में भी था है। श्री जी डी बिरला जी का जन्म 1894 में पिलानी राजस्थान में हुआ था। वे भारत के अग्रणी औद्योगिक समूह बीके बिरला समूह से संस्थापक थे। इस समूह का मुख्य व्यवसाय कपड़ा, फिलामेंट, यार्ड, सीमेंट, रासायनिक पदार्थ, बिजली, दूरसंचार, वित्तीय सेवा और एल्यूमिनियम क्षेत्र में भी है, जबकि अग्रणी कंपनियों ग्रासिम इंडस्ट्रीज और सिंचरी टेक्सटाइल्स भी हैं। श्री जी डी बिरला जी स्वाधीनता सेनानी भी थे तथा बिरला परिवार के एक प्रभावशाली सदस्य थे। वे गांधी के मित्र हैं, सलाहकार हैं, प्रशंसक एवं सहयोगी थे। भारत सरकार ने सन 1957 में उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। एक स्थानीय गुरु से अंकगणित तथा हिंदी की आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने पिता श्री बलदेवदेव बिरला जी की प्रेरणा व सहयोग से कोलकाता में व्यापार जगत में प्रवेश किया था। श्री जी डी बिरला जी एक स्वनिर्मित व्यक्ति थे और अपनी सच्चरिता और ईमानदारी के लिए विख्यात थे। उन्होंने अपने पौत्र स्थान पिलानी में भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी तकनीकी संस्थान बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान पिलानी की स्थापना की। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स एवं हिंदुस्तान मोटर्स की नींव रखी। कुछ अन्य उद्योगपतियों के साथ मिलकर उन्होंने 1942 में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना की। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने सामाजिक
कुतियों का भी विरोध किया। उन्होंने 1943 में यूको बैंक की स्थापना की। तब से लेकर अब तक यूको बैंक देश के एक प्रभावी बैंक के रूप में सुख्यात है। यूको बैंक ने एक लंबी यात्रा तय की है और अपने समस्त आंतरिक क्षमताओं के कारण यहाँ ग्राहकों का मित्र बैंक बन गया है। विदित है कि हम हमारे जीवन में हर समय किसी न किसी तरह का प्रबंधन अर्थात करते हैं। आज जीवन की विभिन्न क्षेत्रों में प्रबंधन तथा श्रीमद् भगवद् गीता के उसमें योगदान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने हेतु हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर मेजर शिव खेहरा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। वे हमें बताएंगे कि किस प्रकार हम श्री भगवद गीता की से प्राप्त ज्ञान की सहायता से अपना जीवन सरलता पूर्वक जी सकते हैं। मैं एक बार पुनः श्री खेहरा जी एवं श्री धीरज शर्मा जी तथा आप सभी का इस व्याख्यानमाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बताया, श्री घनश्याम दास बिरला जी आर्थिक सोच वाले ही नहीं थे, बल्कि वे समाज के प्रति सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति भी थे। उन्होंने समाज में चल रही पुरातन सामाजिक कुरीतियों पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने 1932 में गांधी जी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष का पद भी सहजता से स्वीकार किया था। साथियों, जिस बैंक की नींव श्री जी डी बिरला जी ने रखी थी, उस बैंक की एक छोटी सी झलक दिखाने का हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। हम आपको एक उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाएंगे। Not have been possible without the relentless effort continuously opened 14 branches across India, signaling its vision for an expansive presence. Mahatma Gandhi, the father of our nation and an inspiration to millions of Indians, was one of the first customers of UCO Bank. Branch expansion was the primary focus during the formative years of the bank, particularly in rural areas, and the bank achieved several unique distinctions, priority sector lending and other social uplift activities. Besides providing inland banking services through its vast network of branches in India, UCO Bank made its footprint outside India in Singapore, Hong Kong and Tehran, Iran. The government of India nationalized United Commercial Bank on the 19th of July 1969, whereupon 100% ownership was taken over by the government in United Commercial Bank. This historic event brought about a sea change in the entire fabric of the bank's thinking and activities, commensurate with the government's socio-political approach of mass banking as against class banking hitherto practiced. Though the logo of the bank had changed in the year 1943, 1958, 1973 and 1983, but the year 1985 opened a new chapter for the bank as the name of the bank changed to UCO Bank by an Act of Parliament. The customer-friendly and socially committed character, however, remained even with this change in the name, which has, over the years, been regarded as one of the well-known and vibrant banks in the country. The bank used the latest in technology as a great enabler in empowering customers to bank from anywhere at any time by introducing alternative banking channels to facilitate 24-hour banking across the globe, taking banking convenience to the customer's fingertips. UCO Bank has played a major role in the financial and industrial expansion of our country. With a countrywide network including specialized and computerized branches in India and overseas, UCO Bank has marched into the 21st century, matched with dynamism and growth. But the growth story of the bank
would not have been possible without the relentless efforts of its employees. UCO Bank has ensured access to its services to customers at the highest and remotest corners of India by setting up branches at the most inaccessible spots on the map. The bank distributed food grains among the poor and needy people residing in the vicinity of the head office areas under Borthala Police Station of the Kolkata Police and Morushali, located in Chagur Island, South Manipur Parganas, through the Ramakrishna Mission for Cyclone Yas affected areas under CSR. Mainly, Government of India recognized UCO Bank's sincere efforts towards promoting digital transactions and also awarded us with Utkarsh Puraskar of DigiDhan Awards 2020-21 for achieving first highest percentage of digital payment transactions in its category among PSBs. UCO Bank was awarded the first prize in Rajbhasha Kirti Puraskar for outstanding performance in the field of official language by Government of Bengal. Narakas Bank, Kolkata, convener UCO Bank, was bestowed with Regional Rajbhasha Award in Eastern Region for 2017-18, 2018-19 and 2019-20, and the award was presented on the 18th of December 2021. यूको बैंक का बैंक को भारत सरकार से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रथम प्राप्त हुआ है। साथियों, हमारे आज के अतिथि एवं हमारे वक्ता डॉक्टर खेरा जी, जिनको किसी परिचय की आवश्यकता तो नहीं है, सर का नाम ही काफी है, हम उनके बारे में आपको क्या बता सकते हैं। और जो हमारे उपनिदेशक सर हैं श्री धीरज सर, उनको तो करनाल स्थित सभी केंद्र सरकार के सभी कार्यालय तथा बैंकों के सभी कार्यालयों के सभी लोग जानते हैं सर आपको, तो हम क्या बता सकते हैं इनके बारे में। लेकिन फिर भी औपचारिकतावश हम इनका परिचय थोड़ा आपको बताएंगे। तो अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे अंचल कार्यालय के स्टाफ सदस्य श्री तरुण जी से, वरिष्ठ प्रबंधक तरुण जी, कि वो मंच पे आए और सर के बारे में हमें बताएं। तरुण जी, धन्यवाद मैडम। जैसा कि मैडम ने बताया कि आज के वक्त का के बारे में यहाँ उपस्थित सभी लोग भलीभांति जानते हैं, तो फिर भी मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। डॉक्टर मेजर सिंह जी वर्तमान में गुरु नानक खालसा कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं। आपको 37 वर्षों का टीचिंग एडमिनिस्ट्रेशन तथा रिसर्च का अनुभव है। एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव तथा मार्केटिंग सेक्टर में रिसर्च करने में आपकी मुख्य रुचि रही है। अभी तक आपने 35 रिसर्च पेपर रेप्यूटेड जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। आपने 38 राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया व रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए। आपने बिजनेस स्टडीज से संबंधित 2 पुस्तकें भी लिखी हैं। आप एक प्रभावी वक्ता हैं। आपने एडिसेट टीवी, रेडियो व यूट्यूब के माध्यम से 35 लाइव लेक्चर डिलीवर किए हैं, जिनका मुख्य शीर्षक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन एंड लिसनिंग स्किल था। आपने छोटे किसानों के उत्थान, लिंग असमानता, ड्रग्स व दहेज प्रथा जैसी समस्याओं के लिए आवाज उठाई। आपने 5 साल तक 2000 NSS वॉलंटियर्स के प्रोग्रामिंग ऑफिसर होने का दायित्व भी संभाला और समाज को पर्यावरण सुरक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, रक्तदान, वृक्षारोपण, कन्या भ्रूण हत्या, सड़क सुरक्षा व नैतिक शिक्षा जैसे विषयों के बारे में जागरूक किया। आपको वर्ष 2011 में बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, वर्ष 2015 में बेस्ट सर्विसेज अवार्ड व 2021 में OSCA द्वारा एक्सीलेंस सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन अवार्ड से नवाजा गया। आप हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी भाषा में प्रवीण हैं। आप अनेक सम्मेलनों में रिसर्च पेपर प्रस्तुत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका भी जा चुके हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको आकर अत्यंत आनंदित महसूस कर रहे हैं।
शर्मा मूल रूप से बिहार राज्य के पटना शहर के निवासी हैं। आपने पटना विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। आपने पत्रकारिता में मास मीडिया में स्नातकोत्तर की उपाधि भी प्राप्त की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बरेली स्थित राष्ट्रीय संस्थान भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में आप सन 1998 से 2007 तक अंग्रेजी संपादक के पद पर कार्यरत रहे। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली उत्तर प्रदेश में कार्य करते हुए आपने अंग्रेजी भाषा की अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। तत्पश्चात आपने सन 2007 में कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा पास कर लखनऊ स्थित केंद्रीय पोषण बागवानी संस्थान में सहायक निदेशक राजभाषा का पद ग्रहण किया। वर्तमान समय में आप उपनिदेशक राजभाषा के पद पर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में कार्यरत हैं। आप नगर भाषा कार्यान्वयन समिति करनाल के संयोजक भी हैं। आपने 300 से अधिक वार्षिक रिपोर्ट, न्यूज़लेटर, बुलेटिन, स्मारिका, राजभाषा पत्रिका, फोल्डर आदि का संपादन किया हुआ है। आपने भारत सरकार के 50 से अधिक कार्यालयों संस्थानों में राजभाषा के अनेक विषयों पर व्याख्यान दिया है। साथ ही आप ध्यान एवं योग जैसे विषयों पर भी व्याख्यान देते हैं। आप NDRI संस्थान के बीटेक, MSc व PhD विद्यार्थियों को हिंदी भाषा भी पढ़ाते हैं। साथ ही PhD विद्यार्थियों के शोध सारांशों के हिंदी अनुवाद में भी योगदान देते हैं। धन्यवाद। साथियों, मुझे पता है कि आप लोग आज जिस चीज को सुनने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक हैं, अब वो क्षण आ गया है। अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता डॉक्टर मेजर सिंह हीरा सर से कि सर अपना वक्तव्य दें ताकि आपके विचारों से हम सभी लाभान्वित हो सके। सर, आज हमारे आधुनिक प्रबंधन तथा श्रीमद भगवद गीता के बीच में श्रीमद भगवद गीता का हमारे जीवन में क्या योगदान है, इस संबंध में आज हमें विस्तृत रूप से बताएंगे। सर, इस संबंध में जैसे क्या तनाव प्रबंधन में क्या किया जा सकता है, समय प्रबंधन हो गया, नेतृत्व प्रबंधन हो गया, स्वयं का प्रबंधन कैसे करें, इन सब चीजों के साथ में जो भगवद गीता का जो एक कॉम्बिनेशन है या कोऑर्डिनेशन कह लीजिए, तो उस संबंध में आप सर हमें बताएंगे। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सर से अनुरोध करूंगी कि हम तो हमेशा आसमां की तरफ देखते रहे, क्या गजब के नजारे हैं। हमें तो यूको बैंक के कर्मचारी यहाँ आने पर पता चला है कि धरती पर भी आप जैसे चांद और सितारे हैं। यूको बैंक के कर्मचारी और हमारे कॉलेज के विद्यार्थी, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ और मंच पर आसीन हम सब के प्रेरणा के स्रोत श्री धीरज शर्मा जी, उपनिदेशक राजभाषा NDRI, श्री के श्रीनिवास राय जी, जोनल मैनेजर एंड DGM, श्री नेमीचंद बलोटिया जी, AGM एंड डेप्टी जनरल मैनेजर, श्री कांत राय चीफ मैनेजर, VK शर्मा जी चीफ मैनेजर और बहुत प्रतिभाशाली तरीके से मंच का संचालन कर रही मैडम प्रतिभा रतन जी, आप सबका हमारे कॉलेज के प्रांगण में गुरु नानक खालसा कॉलेज की प्रबंध समिति और गुरु नानक खालसा कॉलेज के प्रबंध समिति के प्रधान सरदार कंवरजीत सिंह प्रिंस, हमारे टीचिंग नॉन टीचिंग वे विद्यार्थियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है आपका। हमने अपना कार्यक्रम वीणा वादनी, कमल पर विराजमान सुरदायिनी माता सरस्वती के समक्ष ज्योति प्रज्वलित कर उनके चरणों में आराधना करके अपने कार्यक्रम की शुरुआत की है। और जब कभी भी हमारी एक भारतीय संस्कृति है कि हम इस तरह से अपने कार्यक्रम की का आगाज करते हैं तो उसका अंजाम बहुत अच्छा होना तय होता है, क्योंकि हम भगवान का नाम लेकर के चलते हैं, ये हमारी एक भारतीय संस्कृति है। आप सब यूको बैंक के जो कर्मचारी हैं, जो यूको बैंक के कर्मचारी यूट्यूब के माध्यम से या गूगल के माध्यम से
हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मैं आप सबको भी जो है हार्दिक अभिनंदन करता हूं और का स्वागत करता हूं, और यूको बैंक के प्रबंधकों का को बधाई भी देता हूं कि इस तरह का कार्यक्रम आपने करवाया है। और मैं बड़े सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आपने एक मुख्य वक्ता के तौर पर एक मौका जो आपने दिया है। अक्सर छोटे होते सुना करते थे कि बिरला एक बहुत अभी आदमी है, और कई बार कोई आदमी जब पैसे की बात करता था तो हम उसको कई बार ताना भी मार देते थे कि तू बड़ा बिरला लग रहा है। तो आज देखो भगवान का ऐसी कृपा हुई, सरस्वती माता की ऐसी कृपा हुई कि उसी जीडी बिरला के बारे में और उनके द्वारा जो बैंक का फाउंडेशन हुआ उसके बारे में बोलने के लिए आज मुझे एक मौका मिला है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, सारी यूको बैंक के जितने भी कर्मचारी हैं आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। आपकी बैंक जीडी बिरला के बारे में यहाँ पर बहुत कुछ बताया गया है, बहुत कुछ बाकी बताने को है, लेकिन आप एक आदमी की सोच को देखिए। जब 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चला था तो तभी इतने ये लोग जो है जो इंडस्ट्रियस लोग नहीं है, जो भी लोग तरक्की करते हैं वो बड़े फार साइटेड लोग होते हैं, बड़ी दूरदर्शी लोग होते हैं। तब जीडी बिरला जी के दिमाग में बात आ गई थी कि अब वो वक्त आ गया है कि वह भारत आजाद होगा, और भारत के आजाद होने के तुरंत बाद जो है हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, बैंकों की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में खत्म होने के तुरंत बाद जो है 1943 में उन्होंने यूको बैंक का गठन कर दिया था। यूको बैंक और गुरु नानक खालसा कॉलेज का संबंध भी एक बहुत बड़ा संबंध है। शायद ही आपने कभी किसी ने सोचा हो कि 1969 को यूको बैंक नेशनलाइज होती है और 1969 को ही गुरु नानक खालसा कॉलेज खुलता है। ये संबंध है यूको बैंक का। यूको बैंक के अगर मैं एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव एमडी की बात करता हूं, श्री जो है सोमा शंकर प्रसाद जी, जो मुझे लगता है शायद यूट्यूब भाषण सुन रहे होंगे, बात सुन रहे होंगे, मैं सर आपको भी बधाई देता हूं। यूको बैंक की अगर मैं ब्रांचेस की बात करता हूं, सर ने बताया 350 के करीब आपकी ब्रांचेस है, और आपका जो अगर मैं इम्प्लॉइज की बात करूं तो अब तक इस बैंक ने 22,012 के करीब कर्मचारियों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट दी हुई है। और आपकी बैंक का जो प्रॉफिट है, यूको बैंक का जो प्रॉफिट है 167 करोड़ रुपए इनकम है इस बैंक की पर ईयर। और अगर मैं बात करता हूं कर्मचारी की, तो एक कर्मचारी का योगदान बैंक के प्रॉफिट में 76,000 रुपए है, जो मेरे हिसाब से भी कम है। मेरे हिसाब से भी कम है कि एक कर्मचारी अगर ऐड कर रहा है प्रॉफिट में, हर कर्मचारी अगर एवरेज देखा जाए तो 76,000 रुपए दे रहा है। आज जो आपने लेक्चर रखा है, इस लेक्चर के माध्यम में मैं सरस्वती माँ के आगे आराधना भी करूंगा कि मेरी बातों का असर कर्मचारियों के ऊपर हो। मैं आपको ज्यादा प्रॉफिट बढ़ाने के लिए बात नहीं कह रहा हूं, मैं आपको कर्मचारियों को सिर्फ इतना आग्रह करूंगा कि आप केवल मात्र इतना काम जरूर कीजिए कि पर डे आप 10 रुपए का ज्यादा काम ज्यादा कर पाए। अगर आप पर डे 10 रुपए का ज्यादा काम करते हो तो आपका प्रॉफिट 5% बढ़ेगा, 8,30,00,000 रुपए का आपका प्रॉफिट बढ़ता है सिर्फ 10 रुपए का फालतू काम करने से। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि सभी कर्मचारी जो यहाँ बैठे हैं या सुन रहे हैं, वो कृपया करके रोज का 10 रुपए का फालतू काम नहीं करना तो 10 रुपए का खर्चा कम कर दे। कई बार हम स्टेशनरी वेस्ट कर देते हैं, 10 रुपए की पेन वेस्ट कर देते हैं, उसको भी कम करके तो भी हमारी बैंक का जो है प्रॉफिट बढ़ सकता है। ये बैंक सर अब आपकी अकेले की बैंक नहीं रहेगी, ये हमारी भी बैंक है। जब इसके बारे में बोल रहे हैं, जीडी बिरला जो एक बहुत बड़ी सोच के मालिक है, उन्होंने दो बातों के ऊपर जोर दिया है। फर्स्ट, ही इज वेरी मच बिलीव इन गिविंग, वो देने में ज्यादा विश्वास रखते थे, लेने में कम विश्वास रखते थे। आगे जाकर के मैं बताऊंगा कि उनका कहां कहां क्या क्या योगदान रहा है। बट सेकंड थिंग, ही इज वेरी मच बिलीविंग इन पावर ऑफ एजुकेशन, दे नो द पावर ऑफ द एजुकेशन, दैट्स व्हाई कि उन्होंने बिट्स पलानी जो है एक इंस्टीट्यूट खोला हुआ जो आज वर्ल्ड में पूरी तरह से एक रिनाउंड है। जहां तक मैं आज के विषय की बात करता हूं, आज जो बैंक ने विषय रखा है आधुनिक प्रबंधन श्रीमद भगवत गीता के रेफरेंस में। श्रीमद भगवत गीता की अगर मैं बात करता हूं तो ये 36 वर्ष कालयुग के शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र में जो है ज्योतिषर में उपदेश या संदेश अर्जुन को सुनाया था। ठीक आज से 5153 वर्ष पहले ये गीता का उपदेश सुनाया गया था। गीता का जब उपदेश जो सुना रहे थे भगवान श्री अर्जुन को, जब भगवान कृष्ण सुना रहे थे, तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें वो कह गए जो आज आधुनिक में भी हमें काम आती है। गीता में टोटल जो है 700 श्लोक हैं, उन 700 श्लोक में से 574 श्लोक जो है भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हैं,
85 श्लोक अर्जुन ने बोले हैं और 40 श्लोक संजय ने बोले हैं और केवल मात्र एक श्लोक ऐसा है जो धृतराष्ट्र ने बोला है, जो गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक है, जिसमें धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा कि बताइए कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा है वहां पर अर्जुन और कौरव में किसकी जीत हो रही है, क्योंकि धृतराष्ट्र बहुत व्याकुल थे कि जीत कौरव की होनी चाहिए पांडव की नहीं होनी चाहिए। पर संजय ने इस बात का जवाब गीता के 18वें अध्याय के आखिरले श्लोक 78वें में दिया था कि जिधर भगवान श्री कृष्ण जैसे और अर्जुन जैसे दुरंधर तीरंदाज होंगे वहां की जो है जीत होना संभव है, वहां जीत होगी होगी। अगर मैं गीता की महत्ता की बात करता हूं, गीता हमारे आज कहां प्रासंगिकता आती है, हमारे विजनरी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने गीता के बारे में कहा है कि आज के युवाओं की जितनी भी समस्याएं हैं सभी समस्याओं का समाधान जो है वो गीता के अंतर्गत लिखा हुआ है। हमारे ओजस्वी और तेजस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि जनता की, लोगों की, दुनिया की, चाहे वो राष्ट्र की है चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय की है, किसी भी आदमी की अगर शंका है तो उन शंकाओं को दूर करने के लिए आदमी को गीता पढ़नी चाहिए, गीता का अंतर्ग्रह करना चाहिए, गीता को सुनना चाहिए, वो सभी शंकाएं दूर हो जाती है। इसी तरह से जो है बहुत बड़े अरविंदो घोष एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं। अरविंदो घोष ने कहा है कि गीता एक किताब नहीं है, ये तो एक ग्रंथ है और ये ग्रंथ एज के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। एक जन्म लेते बच्चे से लेकर के और बुजुर्ग तक के बच्चे को यह संदेश, आदमी को संदेश देता है और इसके साथ साथ गीता जो है एक सभ्यता को पूर्ण रूप से अर्थ दे सकता है। तो जिस देश में, जिस राष्ट्र में गीता जैसे ग्रंथ हो, गुरु ग्रंथ साहब जैसे ग्रंथ हो, रामायण हो, रामचरितमानस हो, बाइबल हो, चार वेद, शेष शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद हो, क्या उन्हें भी संस्कार लेने के लिए बाहर से सीखना पड़ेगा क्या? लेकिन अगर इस बात को युवा नहीं पढ़ते हैं, इन ग्रंथों को नहीं पढ़ रहे हैं, तो लिहाजा मेरे हिसाब से ये एक बड़ा चिंता का विषय हो जाता है। आपकी यूको बैंक ने जो आज ये जो रिखवाया है, आज का लेक्चर है, इस लेक्चर को मैंने गीता के साथ जोड़ने का बहुत प्रयत्न किया है ताकि आने वाली युवा पीढ़ी जब वर्तमान तौर पर काम कर रहे कर्मचारी जो है अपने आप को इसके साथ जोड़ के अपने प्रबंधन का इंतजाम कर सके। अगर मैं जनरली मैनेजमेंट की बात करता हूं तो मैनेजमेंट का मतलब है मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू द अदर्स एंड डूइंग वर्क विद देम। मैनेजमेंट एक कला है जिससे आप दूसरे लोगों से काम ले कैसे सकते हो और दूसरे लोगों के साथ मिलकर के काम कर क्या सकते हो। मैनेजमेंट की बड़ी सिंपल सी बात कही गई है, मैनेजमेंट इज टू प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। परंतु मैं जिस मैनेजमेंट की बात करने जा रहा हूं यहां पर वो इस मैनेजमेंट से हटके है लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हर आदमी चिंता में ग्रस्त है, हर आदमी को इस बात की चिंता है कि मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, मेरी सेविंग्स कितनी होगी। हर आदमी जो है चिंता में ग्रस्त है, हर आदमी जो है ये नहीं समझ पा रहा कि कौन सा काम उचित है और कौन सा काम अनुचित है। लेकिन गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो आपकी सभी चिंताओं का निवारण करता है। आज अगर मैनेजमेंट की परिभाषा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल है तो इसके साथ साथ आज एक हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर संस्था में एक बहुत बड़ी समस्या, इवन की संस्था की बात नहीं, घरों के प्रबंध में भी एक बहुत बड़ी संस्था एक समस्या आ रही है, वो आ रही है तनाव, यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट। मैं आज गीता के साथ आप लोगों को स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा कि आप अपने स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं। अगर मैं स्ट्रेस की बात करता हूं, एक तनाव, वैसे थोड़ा सा तनाव रहना आपकी तरक्की का प्रतीक है। तनाव का मतलब है चिंता करना। अगर आप अपने भविष्य की, अगर आप अपने काम की चिंता नहीं करोगे तो लिहाजा मेरे हिसाब से बहुत आप पीछे रह जाओगे। टू सम एक्सटेंट तनाव होना, टू सम एक्सटेंट नर्वसनेस होना ये उचित है, लेकिन जरूरत से एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब जरूरत से ज्यादा आपको तनाव होगा, जरूरत से ज्यादा जब आपको टेंशन होगी तो आपको तीन तरह का तनाव जो है, जब तीन तरह का इफेक्ट आपके ऊपर तनाव छोड़ता है। सबसे पहले फिजिकल इफेक्ट क्या है, जिसे फिजिकल स्ट्रेस भी कहा जा सकता है। आप जो आदमी स्ट्रेस के अंदर काम कर रहा है, जो आदमी तनाव के अंदर, आजकल बहुत सारी प्राइवेट बैंक्स आ गई है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बैंकों में टारगेट इतना बड़ा दे दिया जाता है कि आजकल के बच्चे बहुत चिंतित है कि हाउ टू अचीव द टारगेट। नॉट ओनली द न्यू जनरेशन, इवन की जो पुराने डेप्टी जनरल मैनेजर, हर आदमी के लिए एक चिंता है कि हाउ टू अचीव द गोल, हाउ टू कम्पीट विद द प्राइवेट बैंक्स, और बैंक्स के साथ किस तरह से हम कम्पीट करेंगे।
तो ये तनाव जो है अगर साइकोलॉजिकल इफेक्ट की फिजिकल इफेक्ट की बात करता हूं तो इस तनाव की वजह से आज ब्लड प्रेशर की बीमारी बढ़ रही है, आज हार्ट अटैक की बीमारी बढ़ रही है, आज किडनी की प्रॉब्लम बढ़ रही है, हेडेक की प्रॉब्लम बढ़ रही है, वजह टेंशन है। आज से 25-30 साल पहले अपने बुजुर्ग बताया करते थे कि सिर दर्द होती क्या चीज है, ब्लड प्रेशर होता क्या चीज है, शुगर कहते किसको है, इवन की कई बुजुर्ग तो ये भी कहते थे थकान किसको कहते हैं, क्या फीलिंग होती है थकान की। लेकिन जब आप टेंशन में होते हैं तो आपको ये सभी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके अलावा दूसरा जो टेंशन का कारण है, आपका जो इफेक्ट पड़ता है वो आपके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। आजकल बहुत सारे जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, व्यवसायी हैं, चाहे वो किसान क्यों नहीं है, वो डिप्रेशन में, नर्वसनेस में और टेंशन में जा रहे हैं। आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, आप डॉक्टर के पास जाइए, आज सबसे ज्यादा अगर लंबी लाइन लगी है तो वो डिप्रेशन वाले डॉक्टर के पास लगी है। आत्महत्या के केस बढ़ रहे हैं, सुसाइडल केस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, घरों में बहुत सारी लड़ाई। जब आपका ऑर्गेनाइजेशन में टेंशन है तो आपकी घर में भी टेंशन रहती है, तलाक बढ़ रहे हैं, डाइवोर्सिस के केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये सब बढ़ने का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। इसके अलावा एक इफेक्ट आपके ऊपर बिहेवियर रिस्पेक्ट पड़ रहा है। वही आदमी, हम कई बार कहते हैं, सुना होगा आपने कि पापा को पहले गुस्सा भी आता था, पता नहीं अब पापा को गुस्सा क्यों होने लगा, पापा ने मेन चीज टेंशन, पापा टेंशन में रहने लगे, उसको अग्रेशन शुरू हो गया। उस आपके पहले हम देखते थे कि वो कर्मचारी पहले बड़ा रेगुलर था, अब उसके अंदर छुट्टियां बड़ी लेने लग गया, टेंशन एब्सेंटिज्म के कारण बढ़ रहे हैं आप लोगों के। इसके अलावा जो है आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम होता जा रहा है, जितनी ज्यादा टेंशन आपको होगी आप 24 घंटे चिंतित रहते हो, पता नहीं मैं इस काम में कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो आपका जो है कॉन्फिडेंस बहुत कम होते जा रहा है, जिसकी बदौलत बहुत सारा यूथ नशा की तरफ ग्रस्त होता जा रहा है। उनको लगता है कि शायद अल्कोहल का प्रयोग करने से, अफीम खाने से, चर्स खाने से, गांजा खाने से मेरी टेंशन दूर हो जाएगी। होती है कुछ हद तक, फिर वो आदत बन जाती है और आज बहुत सारे लोग जो है नशे से भी ग्रस्त है। सो ये जो टेंशन है, और टेंशन क्या है, टेंशन मैन टू मैन वेरी करता है। कुछ आदमी आपने देखा होगा कोई ज्यादा चिंता नहीं करते थे, और कुछ आदमी, जैसे मैं अगर महाभारत की बात करता हूँ, गीता की बात करता हूँ, भीम कभी ज्यादा टेंशन में नहीं रहता था, धृतराष्ट्र बहुत सारा टेंशन में रहते थे। तो मैन टू मैन वेरी भी करता है। अब सवाल ये आता है कि गीता के माध्यम से हम इस स्ट्रेस को मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, टेंशन का प्रबंध हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यह ध्यान देना होगा कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, चाहे हम कॉलेज में काम कर रहे हैं, चाहे हम बैंक में काम कर रहे हैं, चाहे हम किसी सरकारी दफ्तर में काम कर रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा जो टेंशन का कारण है वो ये है कि हम काम चोर है। और कभी भी जो आदमी काम चोर होता है, हम का मतलब ये नहीं कि सभी काम चोर है, मेरा कहने का मतलब कुछ कर्मचारी कर्म पर ध्यान नहीं देते हैं, मेरा काम क्या है, अधिकार क्या है उनके ऊपर तो ध्यान दे रहे हैं, मेरी तनख्वाह इतनी होनी चाहिए, मेरा इंक्रीमेंट क्यों नहीं लगा, मेरी प्रमोशन क्यों नहीं हुई, लेकिन आपके काम क्या है। आपने शायद ही कभी अंदाजा लगाया होगा यूको बैंक के कर्मचारियों ने कि एक साल में यूको बैंक को हम केवल और केवल मतलब 76,000 रुपए का प्रॉफिट दे रहे हैं एक कर्मचारी, जबकि आपको ज्यादा देना चाहिए। क्यों? वजह यह भी हो सकती है आपकी टेंशन, या और भी कोई वजह हो सकती है। अब मैं अगर गीता की बात करता हूं तो भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्माणि वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना आपका अधिकार है, फल देना भगवान का अधिकार है, भगवान के अधिकार क्षेत्र में आता है, आपने फल की इच्छा नहीं रखनी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कर्म कम करते हैं, फल की इच्छा ज्यादा रखते हैं। अगर हम ये काम करेंगे तो इसके बदले में मुझे मिलेगा क्या, अगर मैं ये कर लूंगा तो क्या मेरा इंक्रीमेंट लगेगा, क्या हमें दिवाली पर बोनस मिलेगा, क्या हमें। तो ये एक हमारे अंदर जो हम फल को पहले मद्देनजर रखते हैं, कर्म को बाद में करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये गीता में सबसे ज्यादा अगर जोर दिया है। गुरु नानक देव जी के नाम से ये कॉलेज है, गुरु नानक देव जी ने भी तीन बातें बताई थी, सबसे नंबर एक पे बात उन्होंने रखा है कीर्त करो, वंड सको, नाम जपो। तो इसका मतलब काम करना सबसे जरूरी है। काम कैसे करना चाहिए ये गीता में बताया गया है। आप लोगों ने अगर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम किया है तो जरा ध्यान से देखना आपके कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की जो डिग्री है उसके ऊपर लिखा हुआ है लोगो, जैसे आपका ऑनर योर, आप रिस्पेक्ट आप लिखते हैं, आपका एक लोगो है ऑनर योर ट्रस्ट, ऑनर योर ट्रस्ट, ऐसे योगस्थ कुरु कर्माणी गीता गीता हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की डिग्री के ऊपर रखा है। योगस्थ कुरु कर्माणी जो है गीता से लिया गया है, महाभारत में बताया गया था,
कब बताया गया था? जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया था कि आदमी चाहे अनुकूल स्थितियों में हो चाहे प्रतिकूल स्थितियों में हो उसे समभाव से काम करता रहना चाहिए। आप ऑर्गेनाइजेशन में जिस दिन खुश होते हो तो बहुत काम कर देते हो, जिस दिन आप चिंता में होते हो तो आप कई बार कोई नुकसान कर देते हो, किसी आप अपने ऑफिसर के साथ लड़ाई ले लेते हो, आपकी टेंशन बढ़ जाती है। सो आदमी को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि योगस्थ गुरु कर्माणि वाली बात को अडॉप्ट करना चाहिए, हमेशा आदमी को समभाव से जो है काम करते रहना चाहिए। अगर आप समभाव से काम करते हैं तो फिर काम आपको करना कैसे चाहिए, आपका काम करने का तरीका क्या होना चाहिए, आपके काम करने के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है योग कर्मेषु कौशलम, अर्थात हर काम कुशलता के साथ करना चाहिए, हर काम को 100% देना चाहिए। जब कभी आप 100% नहीं देते हो तो यही आपकी चिंता का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। मान लीजिए आपको बैंक की कोई स्टेटमेंट तैयार करने के लिए दी है, आपने उसमें से एक दिन की स्टेटमेंट छोड़ दी है, आपको पता है कि मैंने वो स्टेटमेंट छोड़ी है, आपकी टेंशन होगी कि अगर ऑफिसर का ध्यान इस दिन के ऊपर पड़ गया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप अपनी टेंशन खुद मोल ले रहे हो। अगर आप किसी काम में 100% देते हो तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपके चेहरे के ऊपर कोई जो है टेंशन नाम की चीज आपके चेहरे के ऊपर झलके। अगर आप 100% किसने नहीं दिया, महाभारत में मैं आपको एग्जांपल देता हूं, द्रौपदी ने 100% दशरथ सुभद्रा ने 100% नहीं दिया। जब सुभद्रा को अर्जुन ये बता रहे थे कि चक्रव्यूह में जाया कैसे जाता है और चक्रव्यूह से निकला कैसे जाता है, तो जब चक्रव्यूह में जाया कैसे जाता है तो सुभद्रा जाग रही थी, और चक्रव्यूह में जब निकला कैसे जाता बता रहे थे तो सुभद्रा सो गई थी। सुभद्रा के पेट में तब अभिमन्यु था। हमारे भारतीय संस्कृति में यह धारणा है कि माँ जब बच्चा पेट में होता है जो करती है जो सुनती है बच्चा भी उसी तरह से रिएक्ट करता है। हशर क्या हुआ सुभद्रा का 100% ना देने का, सुभद्रा को अपना बेटा खोना पड़ा। माड़ी किस्मत सुभद्रा दी, माड़ी किस्मत सुभद्रा दी, जिहड़ी बेसन जी विच सौगी बचनी हो जिथे जान पुत्र दी फिर केड़ी माता सौंदी। ऐसा हो सकता है कि आप मतलब एक माँ को अगर आप ये कह दो ना कि आपके बच्चे की जान बच सकती है अगर आप एक साल जागते रहो, वो कहेगी आप एक साल की बात करते हो, मैं सारी जिंदगी जाग सकती हूँ, मेरा बच्चा बचना चाहिए। मुहावरा बन गया स्लो एंड स्टडी विज द रेस, कहां से बना? कछुए और खरगोश की रेस लगी, खरगोश हार गया और कछुआ जीत गया, वजह खरगोश ने 100% दे दिया है। ऐसा हो सकता है कि खरगोश कछुए से हार जाए? नो, नॉट एट ऑल, नेवर, कदाचित नहीं, कभी नहीं हो सकता ऐसा। परंतु हुआ क्या, माड़ी किस्मत खरगोश दी जड़ा बेसमझी विच सौ गया, होवे जिते गल जित हार दी फिर केड़ा पागल सौंदा। अगर आप अपने कार्यस्थल पर सो जाते हो, आप अपने कार्यस्थल पर 100% नहीं दे रहे हो तो टेंशन तो बढ़नी, आप कैसे रोक सकते हो टेंशन को? तो सो आपकी टेंशन, सबसे टेंशन का जो बड़ा कारण है, यू आर नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट योर वर्क, अबाउट योर जॉब, यू आर नॉट गिविंग द 100%। जिसे यहां मैं आपको आप वर्ड यूज कर रहा हूं, इसमें मैं अपने आप को भी इन्वॉल्व कर रहा हूं। अभी आप ये बस सोचना कि मैं अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता हूं। बहुत सारे ऐसे काम होंगे जहां मैं भी शायद 100% नहीं देता हूंगा, लेकिन मुझे फिर टेंशन जरूर होती है कि मैंने यहां 100% नहीं दिया है। दूसरी वजह आपके आपके जो वजह है ना आपके टेंशन की, दूसरी वजह क्रोध और घमंड। आपने देखा कई लोगों के अंदर क्रोध बड़ा होता है, क्रोध, और कईयों के अंदर घमंड इतना होता है। मैंने कई ऑफिसर देखे हैं, मैं तो कहता हूं एक पंजाबी में कहावत है, फल नीवे रुखा लग दे, जितना आदमी ऊंचाई पर चलता जाए ना उसको उतना ही झुकता चले जाना चाहिए। लेकिन मैंने कई बार आदमी को देखा छोटा सा पद मिल जाए इतना घमंड आ जाता आदमी के अंदर, आदमी को आदमी नहीं समझता। होता क्या है, वो एक दिन आदमी अकेला पड़ जाता है, अकेला पड़ गया था महाभारत में दुर्योधन, दुर्योधन के अंदर क्रोध भी था, दुर्योधन के अंदर घमंड भी था। दुर्योधन के बारे में गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, मेरी मेरी कैरो करते दुर्योधन से भाई, 12 योजन शत्र चले था देही गर्जन खाई। वो दुर्योधन जिसके पीछे 12 योजन का मतलब है 48 कोस शत्र चलता था, दुनिया चलती थी उसके पीछे, वक्त एक दिन ऐसा आ गया कि उसके क्रोध और घमंड ने उसका इतना नाश कर दिया कि उसका दाह संस्कार करने वाला कोई नहीं था, उसकी उसकी बॉडी को गिद्धों ने खाया था। तो ये जो है ये आपका क्रोध और घमंड का परिणाम है। क्रोध और घमंड किया था रावण ने, रावण के अंदर भी बहुत क्रोध और घमंड था, आपको पता है उसके अंदर कितना घमंड था रावण। वो रावण, गुरु ग्रंथ साहब ने ये बात लिखी है, चंद सूरज जाके तप्त सोई, बैसंतर जाके कपर धोई,
वो रावण जिसकी रसोई का काम चंद्रमा और सूर्य करते थे, वो रावण जिसके कपड़े आग धोती थी, उस रावण का हाल पता क्या होगा? गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, 1,00,000 पूत 1,25,000 नाती तह रावण कर दिया न पाती। वो रावण जिसके 1,00,000 पुत्र और 1,25,000 सुपुत्र कहे जाते थे, आज एक वक्त ऐसा है कि रावण के साथ बंदोत्री के अलावा कोई नहीं है, अकेला रावण पड़ गया, उसकी उसकी लंका में दिया जलाने वाला कोई आदमी नहीं। तो ये प्रणाम क्या है आपके घमंड का? आप अपनी ईगो की वजह से, आप अपने एटीट्यूड की वजह से, आप अपने घमंड की वजह से, आप अपने क्रोध की वजह से अकेले पड़ जाते हो। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर मैंने देखे हैं, सारा दिन ऑफिस के अंदर अकेले बैठे रहते हैं, उसके पास उनका कोई सबॉर्डिनेट नहीं आता काम के बिना। अरे सबॉर्डिनेट आपके कमरे में तो वैसे ही आने चाहिए, सबॉर्डिनेट आपके कमरे में आपके खुद कहना चाहिए भी साहब चलो चाय बनाते हैं पीते हैं सब चाय मंगवाओ। इतना सबॉर्डिनेट, इतना आपने इतना दबदबा बना रखा सबॉर्डिनेट के ऊपर, सबॉर्डिनेट डर रहा है। आप सबॉर्डिनेट को नहीं डरा रहे हो, सबॉर्डिनेट तो हो सकता है टेंशन को कवर करने की वो रखता हो, लेकिन वो जो ऑफिसर जिसके अंदर घमंड है ना, जिसके अंदर एटीट्यूड है, एक दिन वो अकेला पड़ जाएगा। वो आदमी ब्लड प्रेशर से ग्रस्त होगा, उस आदमी को हार्ट अटैक हो सकता है, वो आदमी अकेला सारा दिन बैठा रहे। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द एम्प्लॉइज, ऑल द स्टूडेंट्स, कभी भी आपने क्रोध और घमंड नहीं करना है। ये बात गीता में बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखी हुई है। तीसरा नंबर जो आपके क्रोध का कारण, आपके जो टेंशन का कारण है, तीसरी वजह है आपको अपने आप के ऊपर विश्वास ही नहीं। मैं कहता हूं आदमी जो चाहे कर सकता है, जो चाहे कर सकता है। इफ एनीबॉडी वांट्स टू बी एन आईपीएस ऑफिसर ही कैन, इफ एनीबॉडी वांट्स टू बी एन आईपीएस ऑफिसर ही कैन। आपने कभी सोचा था कि एक चाय बनाने वाला आदमी पर प्रधानमंत्री बनेगा? उसके अंदर विश्वास था, विश्वास किया था। अगर मैं महाभारत की बात करता हूं तो विश्वास किया था एकलव्य ने, वो एकलव्य जिसने एक तीरंदाजी चलाने के लिए बारे में सोचा और उसको द्रोणाचार्य ने गुरु बनाने से, शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। उसने अपने अंदर विश्वास पैदा कर लिया कि मैं धुरंधर तीरंदाज बनूंगा। और वो उस आदमी ने क्या किया, गुरु से कोई शिक्षा नहीं ली, मात्र एक वृत्त बना लिया, एक चित्र बना लिया गुरु का और सीखना शुरू कर दिया। इतना जबरदस्त धुरंधर तीरंदाज बना, उसी गुरु को उस गुरु उस शिष्य से जेलसी हुई और उसका अंगूठा मांग लिया। विश्वास किया था अरुणिमा सिन्हा ने, वो अरुणिमा सिन्हा जिसकी दोनों टांगे ट्रेन के नीचे आके कट जाती है, रात भर 49 ट्रेन गुजरती है उस अरुणिमा सिन्हा के, कोई आ रही है कोई जा रही है। जब सुबह अरुणिमा सिन्हा को देखा जाता है तो उसकी टांगों को चींटियां खा रही होती हैं, चूहे खा रहे होते हैं। उस अरुणिमा सिन्हा को जब गांव वाले उठा करके हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, जब अरुणिमा सिन्हा को होश आती है तो अरुणिमा सिन्हा सोचती है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर मैं जिंदा हूं तो इसका मतलब भगवान ने जरूर मुझे कुछ करने के लिए बनाया है। अरुणिमा सिन्हा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद घर नहीं जाती है। अरुणिमा सिन्हा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद कहती है कि मुझे सीधा बशेंद्री पाल के घर ले चलो, जो फर्स्ट पर्वतारोही है हमारे भारत की, हिमालय पर्वत की। वो बशेंद्री पाल के पास जाकर के कहती है कि मैं जो है हिमालय पर्वत की चोटी चढ़ना चाहती हूं। और उसको जब बशेंद्री पाल देखती है कि इसकी दोनों टांगे कटी हुई है, नकली टांगे लगी हुई है, तो बशेंद्री पाल देख करके कहती है कि अरुणिमा सिन्हा तू हिमालय पर्वत की चोटी चढ़ गई, केवल और केवल मात्र डेट बतानी बाकी है दुनिया को, क्योंकि तेरा जुनून तेरा विश्वास बता रहा है कि तू ये काम करेगी। वही अरुणिमा सिन्हा जो है हिमालय पर्वत की चोटी नहीं, वर्ल्ड की 7 चोटियां चढ़ी है उसी नकली टांगों से। तो ये होता है आपके विश्वास का परिणाम, आपके अंदर अपना विश्वास। स्टीफन हॉकिंस एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुआ है। वो आदमी जब 10वीं में पढ़ रहा था तो उसको एक ऐसी बीमारी लगी, डॉक्टर्स ने कहा कि इसके अंग स्थिर पड़ जाएंगे और ये बच्चा मात्र 2 साल और जी पाएगा। स्टीफन हॉकिंस ने सुन लिया कि ये क्या है। स्टीफन हॉकिंस ने अपने ऊपर विश्वास किया, ब्लैक होल का कंसेप्ट दिया, बहुत बड़ी साइंस के ऊपर किताब लिखी और 76 साल जिया है वो आदमी जिसको 2 साल जीने के लिए कह रहे हैं। ये आपके विश्वास पर निर्भर है। आप अपने ऊपर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू अपने आप तू तो बहुत बड़ी चीज है, तू अपने ऊपर विश्वास तो करके देख, तू बहुत कुछ कर सकता है, उसने किया। इसके अलावा जो चौथा आपका कारण है वो सबसे बड़ा आपका कारण है, एक ये कारण है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कम सोचते हो, अपने इंटरेस्ट के बारे में ज्यादा सोचते हो। अगर आप ये धार लो ना कि मेरे लिए अगर मेरा 1 रुपए का नुकसान होता है और ऑर्गेनाइजेशन का मेरा ये 1 रुपए का नुकसान बचाने में 10 पैसे का नुकसान हो रहा है, तो आई विल प्रेफर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तब आप कामयाब इंप्लाई हो।
अगर आपको मेरा 10 पैसे का नुकसान बचना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का चाहे 100 रुपए का नुकसान हो जाए, इसका मतलब आप नमक हलाली नहीं हो, आप ऑर्गेनाइजेशन के प्रति निष्ठावान नहीं हो, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई दर्द नहीं है। अगर महाभारत का एग्जाम्पल मैं दू तो जब भीष्म पितामह को कहा गया कि हे पितामह हमारी रक्षा करो, हमारे साथ चलो, तो उसने बहुत बढ़िया बात कही थी, पुत्र मैं तो हस्तिनापुर से बता हुआ हूं, हस्तिनापुर की मदद करने के लिए मैं वचनबद्ध हूं, हालांकि मुझे पता है कि कौरव न्याय कर रहे हैं, हालांकि मुझे पता है कि आप सही हो, लेकिन मैं वचनबद्ध हूं हस्तिनापुर के लिए। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ बंधिए, आपकी टेंशन का काम क्या है? ये आपकी बहुत बड़ा एक टेंशन का कारण हो जाता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को, जहां से आपको रोटी मिलती है, रोजी मिलती है, जहां पर आपके बच्चे पल रहे हैं, जिसकी बदौलत आपके बच्चे अगर बड़े बड़े ऑफिसर लगे तो पैसा कहां से आया था, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं। इसलिए आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को मेरे हिसाब से मंदिर मानना चाहिए। मंदिर में आप जाओ या ना जाओ, मंदिर के प्रति आपकी निष्ठा हो या ना हो, लेकिन आपकी अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति निष्ठा होगी तो जाहिर है कि ऑर्गेनाइजेशन भी आपको बहुत कुछ देगा। वैसे ही कोई आदमी व्यक्ति इसके अलावा जो है आपकी चिंता का सबसे बड़ा एक और भी कारण है कि मन पर नियंत्रण ना होना। आप करप्शन के केस में देख रहे हैं, लोग करप्शन के केस में फंस रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने HPSC का एक क्लर्क का नाम आपने सुना होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि यूट्यूब पर जा रही है बातें। 1 करोड़ रुपए उसके घर से मिला है। कहां से आए 1 करोड़ रुपए? कहां से लाए आप 1 करोड़ रुपए? मैं वादा करता हूं, मैं भी कर्मचारी हूं, सर भी कर्मचारी हैं, आप भी कर्मचारी हैं, आपके घर में कभी भी 1 करोड़ रुपए कैश नहीं हो सकता अगर आप गलत काम ना करो, अगर आप अनाचरण ना करो, अगर आप करप्शन ना करो। कहां 1 करोड़ रुपए तो छोटी मोटी रकम होती। तो यहां पर जो है जब आप मन पर नियंत्रण, बड़े बड़े लोगों का मन पर नियंत्रण नहीं रहा, इंद्र देवता मन पर नियंत्रण नहीं रहा, वजह गौतम ऋषि ने श्राप दिया और उसको श्राप भुगतना पड़ा। आज भी बहुत बड़े बड़े पीर पैगंबर, बहुत बड़े जो अपने आप को साधु संत समझते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, आज भी वो सलाखों के पीछे है, वजह मन पर नियंत्रण नहीं। अगर आपका सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो आपका मन है। अगर आपका मन नियंत्रण, अगर आपके मन में आ गया ना कि मैं फलां चीज की चोरी करनी है, अगर आपके मन में काम वासना आ गई ना, तो आप टेंशन में रहोगे हमेशा, क्योंकि आपका ध्यान हमेशा उधर रहेगा कि कब ये आदमी मोटरसाइकिल खड़ा करे और कब मैं इसको चोरी करूं। आपके दिमाग में हमेशा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीज चुरा के ले जाने की जरूरत, कोई आपकी तमन्ना है, आपको हमेशा टेंशन रहेगी। और आजकल ध्यान रखना कैमरे भी लगे हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब मन पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। जिस आदमी के मन पर नियंत्रण है उसको कोई टेंशन नहीं, वो साधु है, वो फकीर है, वो संत है। इसके अलावा जो है आपकी चिंता का कारण अन्याय के पक्ष में ना होना। आपके सामने अन्याय हो रहा है, आपके सामने एक कर्मचारी आपके क्लाइंट के साथ गलत बोल रहा है, आपको भी दिख रहा है गलत कर रहा है। आपके सामने एक कर्मचारी आपके क्लाइंट से पैसे मांग रहा है, आपको भी दिख रहा है गलत कर रहा है। आपके सामने आपका कर्मचारी ये कह रहा है कि आप आज नहीं कल आना, आदमी 100 किलोमीटर से चल के आया है, आपका 1 मिनट का काम है, आप उसको कह देते हो कल आना, तो आपको पता है कि ये काम है तो 1 मिनट का, पर ये कर नहीं रहा। अगर आप चुप हो तो आप उससे ज्यादा दोषी हो। अन्याय के खिलाफ कौन नहीं बोला था? अन्याय के जो है कर्म, अन्याय के कर्म की चिंता का सबसे बड़ा कारण क्या था? कर्म बहुत बड़ा तीरंदाज था, कर्म बहुत बड़ा योद्धा था, लेकिन कर्म की सबसे बड़ी चिंता क्या थी कि मैं अन्याय वाले लोगों के साथ कर रहा हूं। कर्म से पूछा गया, कर्म ने किसी से पूछा कि मैं हार क्यों जाता हूं, हालांकि उसको श्राप मिला था भगवान परशुराम से कि वक्त पर आकर के आपकी कोई भी चीज काम नहीं करेगी, लेकिन उसको उस जो आचार्य था, उस आचार्य ने जवाब दिया कि आपके हारने का कारण एक ही है कि आप अन्याय का साथ दे रहे हो, जब न्याय के साथ चलोगे तो आप जीतोगे। इसी तरह से हमेशा एक चिंता, अगर आप महाभारत देखो ना, सबसे ज्यादा चिंता में ग्रस्त भीष्म पितामह होता है। वो रोता है भीष्म पितामह, दहाड़ मारता है लेकिन किसी को सुना नहीं सकता। वो कहता है कि मैं हस्तिनापुर से बधा हुआ हूं, लेकिन मुझे पता है कि ये गलत है, मुझे पता है ये लोग गलत कर रहे हैं, मुझे पता है इन लोगों ने द्रौपदी का वस्त्र धारण किया है, मुझे पता है ये लोग उनको हिस्सा नहीं दे रहे, लेकिन करूं क्या? वजह यह कि वो अन्याय के खिलाफ चल रहा था। अन्याय के खिलाफ अगर आप बोलते हो, पहली बात तो आप लोगों को खड़े होना चाहिए। कभी भी अगर आप अन्याय के खिलाफ खड़े होगे ना, तो आप अपने आप को अत्यंत गौरवान्वित महसूस करोगे। बस में भी अगर एक लड़की के साथ कोई लड़का छेड़खानी कर रहा है, गलत बोल रहा है, अगर आपने उसके साथ साथ दिया उस लड़की का, तो यू फील वेरी मच प्राउड कि आज मैंने एक बहुत अच्छा काम किया। और ऐसा करना चाहिए,
ऐसा किया था विकर्म ने। महाभारत की अगर मैं बात करता हूं तो अन्याय के खिलाफ बोला था विकर्ण। कौन चुप था जब द्रौपदी को वस्त्र हरण हो रहा था? महाभारत में विषम पितामह चुप थे, गुरु द्रोणाचार्य चुप, गुरु कृपाचार्य चुप, धृतराष्ट्र चुप, बहुत बड़े बड़े योद्धा चुप। बोला कौन था? केवल और केवल मात्र एक आदमी बोला था, विकर्ण, कि ये हमारे घर की बहू है, इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके साथ इस तरह का व्यवहार करना उचित नहीं है। हालांकि उसकी बात को माना तो नहीं किया गया था। अब आप कहोगे विकर्म को मिला क्या? मिलता है आपको जब आप अन्याय के खिलाफ बोलते हैं। पहली बात तो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है, बाकी कुछ मिले या ना मिले दैट इज अ सेपरेट थिंग। दूसरी बात, आपको समाज से क्या मिलता है? महाभारत का युद्ध हो रहा था, भीम दुर्योधन के सभी भाइयों को बहुत बुरी तरह से मार रहा था, क्योंकि भीम ने वचन लिया था कि मैं इस तरह से मारूंगा। कभी टांग काटता था, कभी नाक काटता था, कभी जो है हाथ काट देता था। और इवन की गंधारी कुंती के पास जाती है कि हे बहन, भीम को कह कि मेरे बेटों को मारे तो जरूर, लेकिन तसा तसा के ना मारे। तो जब कुंती भीम को कहती है तो भीम कहता है कि माता, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता, क्योंकि मैंने कसम खाई है कि इसके भाइयों को मैंने इसी तरह से मारना है। परंतु जब विकर्ण भीम के सामने आया तो भीम ने कहा कि विकर्ण, मारूंगा तो मैं तुम्हें भी, लेकिन तू वो आदमी है जब द्रौपदी के पक्ष में बोला था, इसलिए विकर्ण को उसने एक ही झटके में मारा था, उसको तरसा के नहीं मारा था। ये परिणाम होता है अन्याय के खिलाफ बोलने का। अन्याय के खिलाफ बोला था बलेर कोटले का नवाब शेर खां, जब सरहंद का नवाब वजीर खां गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को नियों में चिनवाने की बात और उनका वध करने के लिए बात कर रहे थे, तब उसने मलेर कोटले के नवाब शेर खां को बुला करके कहा कि आप इन बच्चों का वध करके अपने भाई नार खां का बदला ले सकते हो, जिसका गुरु गोविंद सिंह जी ने हत्या की है, वध किया है। तो तब शेर खां ने कहा है, कहा था कि बच्चों से बदला लेना मर्दान की नहीं होती है, अगर मेरे में हिम्मत होगी तो मैं खुद गुरु गोविंद सिंह से बदला ले लूंगा। अब उसका फायदा आप कहते हो क्या होगा? मलेर कोटले में आज भी जाकर के देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका उतना प्यार है जितना पहले प्यार था। सो जब आप अन्याय के खिलाफ बोलोगे आपको इतनी ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। इवन मैं कहता हूं घर में भी अगर अन्याय हो रहा है, आपकी माँ के साथ अगर आपका पापा गलत बोल रहे हैं तो बोलिए। मैं ये नहीं कहता कि अपने फादर के आगे मत बोलिए। अगर आपकी माँ की गलत इंसल्ट हो रही है तो खड़े होना आपका फर्ज बनता है। आपकी बहन की इंसल्ट हो रही, खड़े होना आपका फर्ज बनता है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी लेडी की इंसल्ट हो रही है, उसके पक्ष में खड़े होना आपका फर्ज बनता है। तो इसके अलावा जो है आपका जो सातवां कारण है, जो आपकी चिंता का बहुत बड़ा कारण एक ये भी है कि कुछ लोग ना समाज से भी नहीं होते। समाज से भी जो लोग हैं वो बड़े खुश रहते हैं, वो रोज 20 लोगों से मिलते हैं, 50 लोगों से मिलते हैं। जब आप समाज से भी नहीं होंगे ना तो फिर आपको एक चिंता से लगेगी। मान लीजिए एक आदमी रोज मंदिर में प्रसादे लेकर के जा रहा है, गुरुद्वारे में लंगर लेकर के जा रहा है, एक आदमी रोज किसी गरीब को खाना दे रहा है, किसी गरीब को कपड़े दे रहा है, आपकी चिंता बढ़ती चली जाएगी। यार ये इतना कुछ कहां से कर रहा है, कैसे हो रहा है? जब आप ऐसा कर्म देते हो ना, अपने आप ही होना शुरू हो जाता है। आपके समाज सेवा के बारे में हरियाणा के एक बहुत ही सिरमौर कवि हुए हैं, आजकल इस दुनिया में नहीं है, उदय बनु हंस ने कहा था, बहुत अंतर होता है पानी और पसीने में, बहुत अंतर होता है पत्थर और नगीने में, बहुत अंतर होता है खतर और पसमीने में, और बहुत अंतर होता है मात्र जीने और सांस लेने में। सांस तो दुनिया ले रहे, पशु पक्षी भी सांस ले रहे हैं। आपको भगवान ने जो आपको देह दी है, आपको ये जो शरीर दिया है, वो अपने आप के लिए नहीं, लोगों की सेवा करने के लिए दिया है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेवा भावना पैदा हो गई, एक गरीब एक अनपढ़ लेडी आती है आपकी बैंक में, किसी भी बैंक में, अगर आप HDFC में किसी भी बैंक की आप बात करते हैं, वो अनपढ़ है, उसको लिखना नहीं आता है, अगर वो आपसे विड्रॉल भरने के लिए कह देना तो 50 बातें करता है एक एम्प्लॉई, मैंने खुद देखा है। मतलब आपको अगर विड्रॉल भरने में 2 मिनट लग जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? ये एक सोशल है। और बहुत सारे लोग, मैं कहता हूं अगर जो कैशियर है ना, कैशियर के बारे में मैं कहूं, अगर कैशियर चाहे ना एक साल शहर में अगर 10 साल लगा ले ना और वो समाज सेवा कर ले, MLA का इलेक्शन लड़ सकता है, MLA इतना समाज सेवा कर सकता है, इतने रिलेशन बिल्ड कर सकता है। मेरा स्टूडेंट मेरे कॉलेज में जब वो कैशियर लगा तो मैंने उसको पहले दिन समझाया कि ये एक ऐसी सीट है जहां तू एक दिन 10 साल के बाद ना पेवे में सब लोग तेरे को जानना शुरू कर देंगे कि मिस्टर विशाल कौन है। अगर आप ऐसा व्यवहार करोगे तो इसके अलावा अगर मैं समाज सेवा की बात करता हूं तो समाज सेवा की थी नकुल और सहदेव में, अगर आप इसकी बात करते हैं,
नकुल और सहदेव, उनको पता था कि कर्ण हमारा दुश्मन है, लेकिन जब कुंती ने कर्ण से कवच मांग लिया था तो उसकी सारी चमड़ी जब उधड़ गई थी तो उसके दर्द हो रहा था, तो कुंती ने स्वयं नकुल और सहदेव को, नकुल और सहदेव के पास एक ऐसी कला थी, एक ऐसी मलम बनाते थे जो लगाने से मांस आ जाता था। तो माता ने, कुंती ने स्वयं कहा कि आप जाकर के कर्ण के मलम लगा करके आइए, जब वो करके पसी करके आइए। तो ये गए थे दुश्मन होने के बावजूद भी। इसके अलावा अगर मैं समाज सेवा की बात करता हूं तो हमारे जीवी बिरला जी, घनश्याम दास बिरला जी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 70,000 रुपए दिए। हमारे घनश्याम दास बिरला जी ने हरिजन समाज को उस समय 2 लाख रुपए दिया जब 2 लाख रुपए की बहुत ज्यादा कीमत थी। उसी टाइम जो है इन्होंने स्वतंत्रता के लिए 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के बारे में सोचा था। इसके अलावा बहुत सारे दान, 25 लाख रुपए इन्होंने जो है विश्वकर्मा महाविद्यालय खोलने के लिए दिया। ये तो छोटी छोटी सी रकमें हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। अगर मैं जीडी बिरला के दान की लिस्ट आपको सुनाना चाहूं ना तो मुझे मेरे हिसाब से कम 15 दिन चाहिए, कम से कम 15 दिन चाहिए। वैसे भी कोई आदमी राइज कर जाता, वैसे भी आपको सलाम होती, कुछ करना पड़ता है समाज के लिए। ये नहीं कि घनश्याम दास बिरला पैदा होते ही बहुत अमीर थे। घनश्याम दास बिरला ने मेहनत की, जब जाकर के जो है वो एक अमीर आदमी बने और समाज का काम उन लोगों ने किया है। समाज सेवा की अगर मैं बात करता हूं, आप लोगों ने सिख इतिहास में सुना होगा भाई कन्हैया का नाम आपने सुना होगा। भाई कन्हैया एक आदमी ऐसा था जिसकी गुरु गोविंद सिंह ने ड्यूटी लगाई थी कि युद्ध के दौरान आपने पानी पिलाना सैनिकों को। भाई कन्हैया क्या करते थे, सभी को पानी पिला रहे थे, दुश्मन को भी पिला रहे थे, दूसरों को पिला रहे थे। अब जो आदमी घायल किया सैनिकों ने, उसको पानी पिलाया और वो खड़ा हो गया, दुश्मन भी, वो जाके गुरु गोविंद सिंह के पास गए। गुरु गोविंद सिंह को कहा, जी ये कैसा आदमी आपने पानी पिलाने के लिए लगा दिया, हम तलवारों से उनको घायल करते हैं, उनको पानी पिला के फिर हमारे सामने खड़ा कर देता है। कन्हैया जी को बुलाया गया, गुरु गोविंद सिंह को जब कन्हैया जी को बुलाया, सैनिक बड़े खुश हुए, जैसे एक बच्चा माँ को शिकायत लगाता है, बड़े भैया ने गलती करी है, करी छोटे नहीं होती वैसे, उसमें जो है वो बच्चा बड़ा खुश होता है कि अब मेरी माँ इसको पीटेगी। सैनिक कहने लगे अब कन्हैया को सजा मिलेगी। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, कन्हैया जी ये क्या इसका मतलब है? बोले गुरु जी, मानस की जात सब एक पहचान में, मैनू तो पता नहीं कौन दुश्मन है कौन मित्र है, मेरे को तो सब में आप ही का रूप नजर आता है, मैं पानी पिलाता हूं। गुरु गोविंद सिंह ने उस आदमी को नजदीक बुलाया, गले लगाया और उसके हाथ में एक मलम और पट्टी दी कि जा, जो मित्र हो दुश्मन हो जो भी गाय हो उसको पट्टी करने का काम करे। ये होती है समाज सेवा, इस तरह की करो आप समाज सेवा। अगर आप समाज सेवा करोगे, मैं कहता हूं आपकी 50-60% पेंशन आपकी फ्री हो जाएगी, आपके साथ लोग जुड़ने शुरू हो जाएंगे। आपका नाम करने के लिए कोई बहुत सर्वर ने क्या काम किया, अपने माता पिता की सेवा की। और उसमें आज भी अगर किसी के बच्चा पैदा होना होता है, मैं कहते हैं हमारे घर में अगर सर्वण जैसा पुत्र पैदा होना, आज भी अगर किसी माँ का बच्चा पानी का गिलास भी पकड़ा देना, पानी का गिलास भी, वो भी कहती है वाह मेरा सर्वण पुत्र है। तो ये है सर्वण, ये है सेवा का नतीजा। इसके अलावा जो है आपकी, ये एक बहुत बड़ा कारण हमारे ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिला है, हमारी जो टेंशन का कारण है वो है कड़वा बोलना। हम गलत बहुत बोलते हैं। एक क्लाइंट आता है, कई बार उस क्लाइंट के साथ गलत बोल दिए, आपने सुबह सुबह एक क्लाइंट के साथ गलत बोल दिया, आपका सारा दिन टेंशन में निकलेगा। उसकी वजह से आप अपने सीनियर के साथ भी गलत बोलोगे, आप अपने सबॉर्डिनेट के साथ भी गलत बोलोगे, आप अपने बराबर के लोगों के साथ भी गलत बोलोगे। सो प्रिय कर्मचारियों, मैं भी एक कर्मचारी हूं, आपको मधुर बोलना चाहिए। अब अगर मैं यहां पर बोलने की बात करता हूं तो महाभारत की अगर बात करें, अगर द्रौपदी ये ना कहती दुर्योधन को कि अंधे का बेटा अंधा, तो शायद ये युद्ध भी ना होता। अगर शिशुपाल 100 गलतियां ना करता तो शायद शिशुपाल का वध भी ना होता, शायद नहीं होना ही होना था। 100 गलतियां एक आदमी क्या माफ कर रहे हो? कृष्ण ने अपनी बुआ को कहा कि इसकी मैं 100 गलतियां माफ कर दूंगा और कृष्ण गिनते जा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 97, 98, 99, 100, फिर भी शिशुपाल नहीं समझ रहा है। हमारे यहाँ बेरी सीट के पीछे भी वो बात लिखी हुई है, गुरु ग्रंथ साहब में भी है, मिठत निवी नाम का गुण चगैया तत्, अर्थात आपकी जितनी अच्छाइयां हैं अगर उनका मैं सबसे सार निकालूं, निष्कर्ष निकालूं, तो वो है मीठा बोलना। तो आपको जो है आपकी, मैं कहता हूं अगर आपने मीठा बोलना सीख लिया ना, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मैनेजर बन जाओ, डेप्टी जनरल मैनेजर बन जाओ, पीएन हो,
चाहे क्लर्क हो, अकाउंटेंट हो, आपकी किसी आपको चिंता नहीं। आप किसी को गाड़ी देकर के देखना, वो आपको आगे से गाड़ी नहीं भी देगा ना, बल्कि आपकी उल्टा टेंशन बढ़ जाएगी कि पता नहीं कब कहां किस टाइम ये आदमी मेरे को गाड़ी देगा, आपकी टेंशन बढ़ी रहेगी। इससे बेटर तो आप कहोगे कि दे ही ले भाई तो ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब आपको मधुर बोलना चाहिए, ये आपकी एक टेंशन का बहुत बड़ा कारण हो जाता है। इसके अलावा हम ऑर्गेनाइजेशन में एक और बात देख रहे हैं, आजकल ये सोशल मीडिया भी बढ़ रहा है, नारियों का बहुत अपमान होने लगता है। नारी जो है आप भी देख रहे हैं सेफ नहीं है। महाभारत में क्या हुआ था, नारी का अपमान होकर के तो सारा कुछ हुआ ना। अगर द्रौपदी का वस्त्र हर ना होता कुछ नहीं होना था, चाहे पांडवों को जमीन मिलती या ना मिलती डजंट मैटर, कोई उससे मतलब नहीं था, वो गुजारा कर सकते थे, उनकी ताकत थी इतना कमा सकते थे। लेकिन नारी का अपमान होने के बाद उस नारी ने अपने केसों को खोल दिया कि जब तक दुर्योधन का खून मैं नहीं पी लेती तब तक मैं सांस नहीं लूंगी, और युद्ध हुआ और उसका खून पिया गया, ऐसा हुआ। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में भी नारियों का अपमान होता है, इवन की नारी कई जगह पे अपने आप को सेफ, मैं कहता हूं ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करते हो तो आपको किसी भी नारी के साथ बात करने में संकोच जब हो रहा है, दैट मीन्स आपके मन में पाप है। किस चीज का संकोच, आपको अगर दिखता है मेरी बहन है तो फिर संकोच किस चीज का। आप अपनी उसी बहन को काम के लिए 9 बजे फोन करो, 8 बजे फोन करो, 7 बजे फोन करो, करोगे अगर आपके मन में पाप नहीं है। अगर आपके मन में पाप है तो फिर कोई आप वक्त और देखते हो। नारी के अपमान के बारे में ये मनुस्मृति में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते हरमन्ते तत्र देवता। था जिस संगठन में, जिस घर में, जहां जहां नारी की पूजा होती है वहां वहां देवता वास करते हैं। आज से 550 साल पहले सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु नानक देव जी भी लिख गए हैं, सो का बंदा अखिये जित जमे राजान, अर्थात उस औरत को क्यों बुरा बोलते हो जिसने राजे महाराजाओं को भी पकंबरों को जन्म दिया है। अगर आपने नारी की इज्जत करना सीख लिया, नारी की बेइज्जती की गई थी, जयद्रथ ने द्रौपदी की बेइज्जती की थी, आपको याद होगा जयद्रथ को सजा क्या मिली, आपको याद है जयद्रथ के कितना बुरी तरह से उसका वध किया गया, उसके बाल काट दिए गए, वजह यह था कि उसने नारी का अपमान किया था। जयद्रथ जीजा लगता था पांडवों का और कौरवों का, लेकिन नारी के अपमान करने की वजह से जयद्रथ का वध करना अनिवार्य हो गया था। वहां जयद्रथ का वध नहीं हो रहा था तब भी भगवान श्री कृष्ण को सूर्य अस्त होने के लिए कोई कला दिखानी पड़ी, तब जाके जयद्रथ का वध हुआ, वजह वो नारी का अपमान करना था। तो जो नारी की इज्जत, अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन में नारी की इज्जत है वो ऑर्गेनाइजेशन प्रफुल्लित होगा, जिस घर में नारी की इज्जत है वो घर प्रफुल्लित होगा, जिस समाज में नारी की इज्जत है वो समाज प्रफुल्लित होगा। सो रिस्पेक्ट द फीमेल, रिस्पेक्ट द लेडीज। अपार्ट फ्रॉम दिस, सो मेनी टाइम द टेंशन रीजन इज दैट यू आर नॉट ए गुड लिसनर। आप कई बार ना अपने सुपीरियर की बात को ध्यान से नहीं सुनते हो, आपके सुपीरियर ने कहा जाओ फला जगह फला काम करके आओ, आपने सुना ही नहीं, आपने आधा सुना, आप गए काम कहा और था, करके कोई और आ गया, वापिस आए, आपके सुपीरियर ने आपको डांट मारी है, कह दिया आपने, आपकी टेंशन बढ़ गई, सुपीरियर को भी टेंशन में कर दिया आपने। सुनना इतना ज्यादा जरूरी है, मैं कहता हूं बोलना तो जरूरी ही नहीं, अगर बोलना ज्यादा जरूरी होता भगवान हमें दो मुंह देता एक कान देता, भगवान ने दो कान दिए हैं इसलिए कि सुनना ज्यादा जरूरी है। जब महाभारत लिखवानी शुरू की, व्यास ने जब महाभारत लिखवानी शुरू की, गणेश जी जब महाभारत लिख रहे थे तो गणेश ने एक शर्त रखी व्यास के सामने, सुनने का मतलब ये नहीं केवल मतलब हीर करो, सुनने का मतलब समझ करके किसी बात को फॉलो करो, हीरिंग इज द सेपरेट एंड लिसनिंग इज द सेपरेट। तो गणेश जी कहने लगे भगवान व्यास जी को कि ठीक है मैं लिखूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि अगर आप लगातार बोलते रहे तो मैं लिखता चला जाऊंगा, अगर आपने बोलना बंद कर दिया तो मैं उसके बाद लिखना बंद कर दूंगा। गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है। व्यास जी ने कहा ठीक है मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन आप भी जब लिखोगे ना हियर करके नहीं लिसन करके लिखना पड़ेगा, यानी समझ के लिखना पड़ेगा। तो सैकड़ों बार जो है उसको गणेश को कहना पड़ा था कि रुकिए। सो इसलिए आप लोगों को जो है अगर अगर द्रौपदी सुभद्रा अगर सुभद्रा अर्जुन की बात को ठीक तरीके से लिसन कर लेती तो उसे अपना बेटा दिखाना पड़ता था, उसने लिसन नहीं किया ठीक तरीके से। अगर दुर्योधन अपनी मां की बातों को ठीक तरीके से लिसन कर लेता तो दुर्योधन की बॉडी को गिदों ने नहीं खाना था,
दुर्योधन की जब मृत्यु होती तो बड़े मान और सम्मान के साथ उसका दाह संस्कार होना था। तो ये कई बार प्रणाम होता है कि हम लोग ध्यान पूर्वक बात को नहीं सुनते हैं, ये भी एक हमारे टेंशन का बहुत बड़ा कारण होता है। ऑर्गेनाइजेशन में हम कई बार करप्शन की, अगर मैं बात करता हूं, हम जितनी करप्शन कर रहे हैं उसमें हम लोग कहते हैं ये सारा धन दौलत मेरी है, सारी धन दौलत इकट्ठे, आज 100 रुपए की करप्शन की, कल को 200 की करी, फिर 400 की। वैसे आई एम वेरी हैप्पी एंड आई अप्रिशिएट द नेशनलाइज्ड बैंक, इवन द बैंक्स आल्सो, बैंकों में बहुत कम मुझे करप्शन नजर आई है मेरे हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मुझे नहीं लगा कि बैंकों में कोई बहुत बड़ी करप्शन होगी, मुझे बहुत कम, मतलब रियली आप बधाई के पात्र हैं कि बैंकों में बहुत कम करप्शन होती है। हालांकि देखो बैंकों वाले रहते भी पैसे में है फिर भी करप्शन नहीं कर रहे। ईमानदार तो असली ये है ना, जिस आदमी को पैसा देखने को नहीं मिल रहा उसको काहे की ईमानदार है, मतलब उसका तो दाव ही नहीं लगता, ये 24 घंटे पैसे में रह रहे हैं फिर भी करप्शन नहीं है। तो सर आई सल्यूट यू, भगवान आपकी बैंकों और अन्य बैंकों को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे। यहां पर जो लालच है दुर्योधन, अब महाभारत पे आते हैं कैसे जोड़ा जाता है, दुर्योधन ने लालच ही तो किया था जब उसको कहा कि पांडवों को 5 गांव दे दो, उसने कहा 5 गांव मैं सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा इनको, फिर देना पड़ा सारा कुछ। क्या हशर हुआ, सारे भाई मारे गए, साम्राज्य चला गया, मृत्यु सब कुछ हो गया। इसी तरह से सिकंदर, जिसने सारी दुनिया जीत ली, सिकंदर ने मरते समय 3 बातें कही थी। सबसे पहली बात उसने कहा, प्लीज अगर हो सके तो मुझे मेरी माँ से मिलवा दो, सिकंदर लव्स हर हिज मदर इज वेरी मच, लेकिन बहुत दूर थे उसकी माँ को नहीं मिलवाया जा सका। दूसरी बात सिकंदर ने कहा कि जब मेरी अर्थी उठे तो उन 4 वेदों को कहना, जिन वेदों ने मेरा इलाज किया है, डॉक्टर्स ने इलाज किया है, वो मेरी अर्थी उठाए ताकि लोगों को पता चले कि इतने पीर पगंग, इतने पैसे वाले लोगों का भी इलाज नहीं हो सकता, जब किसकी मृत्यु आती है तो आ ही जाती है। और तीसरी बात उसने कही कि जब मेरी अर्थी जाए तो मेरे हाथों को जो है बाहर निकाल देना मेरी अर्थी से, ताकि लोगों को पता चले कि इतनी धन दौलत वाला आदमी भी खाली हाथ जा रहा है तो हमारी तो क्या औकात। इसलिए आपको ये कृष्ण ने बहुत कहा है कि जो आपकी बस आत्मा है, ये जो आत्मा है ये कभी मरती नहीं है, शरीर मरता है फिर नया शरीर आ जाता है। बिल्कुल गीता में यह कहा गया है कि वस्त्र बदलने की तरह हमारी जिंदगी है, जैसे एक कपड़ा उतारा दूसरा पहन लिया, ऐसे ही आत्मा एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में चली जाती है, आपका कुछ नहीं है, इस बात की आपको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए और ना ही आदमी को लालच करना चाहिए। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने ये गीता में सबसे बड़ी बात, मैं कहता हूं अगर चिंता को दूर करना तो गीता पढ़ो। आपको सारी गीता नहीं पढ़नी आती, आप सारी गीता मत पढ़िए, संस्कृत में है और वैसे भी लेंथी होगी, 574-700 श्लोक है। आप गीता का जो सार है ना 10 बातें, वो सार ही पढ़ लो। उसमें लिखा है कि आप भविष्य की चिंता मत करो, आप जो है भूतकाल की चिंता मत करो, आप वर्तमान में रहो। और वैसे भी चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ना जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो गया वो अच्छा है और जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा, डोंट वरीड अबाउट दैट। गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है, नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, यानी उस भगवान को आपकी चिंता है। एक एक जो है कीड़ा मकोड़ा जो है पहाड़ों में रह रहा है, आप देखते हैं प्रवासी पक्षी आते हैं अपने बच्चों को वहां छोड़ आते हैं इसलिए कि यहाँ ठंड बहुत है, यहां आकर के आ जाते हैं, जब वापिस जाते हैं तो बच्चे चिंता होते हैं, कमाल की बात है, ये भगवान नहीं तो और कौन। सो इसलिए आप लोगों ने इस तरह से नहीं करना है। इसके अलावा जो है आपकी चिंता का कारण है कि आपका एक माइंडसेट बढ़ जाता है, माइंडसेट आपकी चिंता का बहुत बड़ा कारण है। माइंडसेट क्या है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी है बड़ी करप्शन है, माइंडसेट हो गया। पुलिस में अगर बेटा लोग पुलिस में कराएंगे, क्यों, पुलिस में पैसा बढ़ाता है। जरूरी नहीं कि हर पुलिस वाला करप्टेड है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक धारणा बन गई, माइंडसेट हो गया। अर्जुन का माइंडसेट बन गया था कि आगे मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे चाचे ताऊ सब उधर है तो मैं नहीं लड़ूंगा, माइंडसेट था। भगवान श्री कृष्ण से बढ़िया कोई लीडर नहीं हुआ। लीडर का मतलब है अपने सबॉर्डिनेट्स के माइंडसेट को चेंज करना। जो लीडर अपने सबॉर्डिनेट के माइंडसेट को चेंज करने में कामयाब हो गया, ही द बेस्ट लीडर, ही द बेस्ट मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माइंडसेट को चेंज करने के लिए 574 श्लोक बोले हैं। 574 श्लोक बोलने के बाद भी अर्जुन का माइंडसेट चेंज नहीं हुआ, फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसको अपना विराट रूप दिखाया,
तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, अब जो आप कहोगे वही मैं करूंगा। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन विराट रूप नहीं दिखाना, कभी आपके सबॉर्डिनेट डर जाए, आपने श्लोक तक इसी में रहना है। माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट हमारा जो बन जाता है, एक हाथी को जब पकड़ा जाता है, उसको एक मोटे रस्से के साथ बांध दिया जाता है और एक मोटे पेड़ के साथ बांधा जाता है। हाथी उसको छुड़वाने की कोशिश करता है, महीना दो महीना यही प्रक्रिया चलती है, हाथी के पैरों में खून आना शुरू हो जाता है, अंत में हाथी को लगता है कि अब मैं नहीं छूट सकूंगा। आप देखिए, किसी भी हाथी के अखाड़े में आप चले जाइए, कहीं भी हाथी को देखिए, छोटी सी रस्सी छोटे से खूंटे के साथ बंधा हुआ हाथी होता है, पर उखाड़ नहीं पाता, उसका माइंड सेट बन चुका है कि भाई ये मेरे से नहीं होगा। यू ब्रेक योर माइंड सेट, आप अपने माइंड सेट को तोड़िए। जब तक आप अपने माइंड सेट को नहीं तोड़ोगे, थॉमस एडिसन का माइंड सेट किसने तोड़ा और कैसे तोड़ा? थॉमस एडिसन वो आदमी जिसने बल्ब का आविष्कार किया। थॉमस एडिसन जब स्कूल से वापस आता है तो थॉमस एडिसन के हाथ में एक चिट्ठी होती है, एक लेटर होता है, और वो लेटर अपनी माँ को देता है और उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पूछता है, माँ ये क्या है? कहती, बस ये तो खुशी के आंसू है, आपके अध्यापक ने लिखा है कि ये बच्चा आपका इतना इंटेलिजेंट बच्चा है, हमारी बुद्धि से बाहर है ये बच्चा, हम इसको नहीं पढ़ा सकते, आप इसको घर रख के पढ़ाइए। उसकी माँ ने थॉमस एडिसन को घर रख के पढ़ाया, और वो थॉमस एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया, जब उसकी माँ गुजर जाती है तो वो थॉमस एडिसन माँ की अलमीरा को जब खोलता है, वही चिट्ठी मिलती है जो चिट्ठी उससे 30-35 वर्ष पहले मिली थी, और उस चिट्ठी के ऊपर लिखा पता क्या होता है? आपका बच्चा डल है, आपका बच्चा निकम्मा है, आपका बच्चा कमजोर है, इस बच्चे को आइंदा से स्कूल मत भेजिएगा, घर रखिएगा। अगर ये चिट्ठी उस दिन उसकी माँ उसको बता देती तो थॉमस एडिसन का माइंड सेट हो जाता कि मैं कमजोर हूं, मैं निकम्मा हूं। शायद अगर थॉमस एडिसन को माँ ऐसे ना करती तो आज ये बल्ब की रोशनी भी हम नहीं देखा। गीता में बहुत बड़ी बात, क्षमा दान महादान, ये भी है गीता में बहुत बड़ी बात। मैं कहता हूं जो सुपीरियर आदमी है, वैसे तो व्यवसाय में ऑर्गेनाइजेशन में चाहे पीएम गलती कर रहा है, चाहे आपका असिस्टेंट मैनेजर गलती कर रहा है, वो गलती मैनेजर की मानी जानी है, वो मैनेजर की होती है, मैनेजर के अंदर, मतलब मैनेजर को एक्सेप्ट करनी चाहिए गलती, चाहे किसी की, मैनेजर हैज टू एक्सेप्ट कि भाई आपने गलती करी। मेरा बच्चा अगर संस्कारी नहीं है तो बच्चे की गलती नहीं है, मेरी गलती है। मेरे कॉलेज में अगर बच्चे संस्कारी नहीं है, मेरे कॉलेज के बच्चे अगर लड़ रहे हैं, तो शायद हमने उनको संस्कार देने में कहीं ना कहीं कमी छोड़ी है। अध्यापक को यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। आपने देखा बहुत बड़े बड़े लीडर जब हारती है, पूरी की पूरी पार्टी हार जाती है, तो बड़ा लीडर सामने आकर के कहता है कि ये मेरी वजह से सारा कुछ, तो सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। तो ये जो है क्षमादान महादान, यानी मैं पीरियर को कहूंगा कि प्लीज आप क्षमा की भावना अपने दिमाग में रखें। कई बार ना हम छोटी सी गलती पे इतना ज्यादा अपने सबॉर्डिनेट की बेइज्जती कर देते हैं, इतना ज्यादा सबॉर्डिनेट हमारा प्रेरित हो तनाव में चला जाता है। कई बार आपने देखा होगा, कई बार सुसाइड तक होती है वो। कमाल है, आपने इतना तनाव में लिया है अपने पीरियर को, अपने सबॉर्डिनेट को, कि उसने जाके सुसाइड कर ली। तो फिर यू आर नॉट ए गुड लीडर, यू आर नॉट ए गुड मैनेजर। If you are a good manager, then follow this क्षमादान महादान, आपको उसको क्षमा करना बहुत जरूरी। इसके अलावा जो है, आप बिजनेस में, आप ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स को अगर आप फॉलो नहीं करते ना, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने एथिक्स हैं। आप कई बार किसी डॉक्टर के पास जाते हो ना, उसने एथिक्स लिख के लगाए हुए होते हैं कि दीज आर द एथिक्स फॉर द डॉक्टर्स। इसी तरह से बैंक वाले कर्मचारियों के एथिक्स है, टीचर के अपने एथिक्स है। जब आप आचरण से हट करके अनाचरण वाला काम करोगे तो इसका मतलब आप एथिक्स से काम नहीं कर रहे हो। एथिक्स से काम, महाभारत की अगर मैं बात करता हूं तो किसने नहीं किया था? शकुनी ने एथिक्स वाला काम नहीं किया था, डाइस बदल दी थी, डाइस के वो साइडें बदल दी गई थी, तो जब एथिक्स नहीं दिखाया उसने तो शकुनी का बाद में हशर किया हुआ है, आप इसका परिणाम दे सकते। यानी चीटिंग नहीं करनी, गलत नहीं करना। जितने ज्यादा आप दिल के साफ होंगे, जितने ज्यादा आपके अंदर दया होगी, उतना ज्यादा आप ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट मैनेजर और बेस्ट लीडर अपने आप को समझते हो। इफ यू वांट टू बी अ गुड मैनेजर, फिर एथिक्स के खिलाफ मत चाहिए कभी। इसके अलावा जो है गीता में, ये अगर मैं बातों की अगर आप में बात करता हूं कि इस तरह से फॉलो, अब ये सब कुछ करने के बाद आपके अंदर एक बहुत जरूरी चीज है। अभी वक्त और ले सकता हूं सर? थैंक यू सर, थैंक यू। आपके अंदर एक बहुत जरूरी चीज है कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए।
एटीट्यूड जिस आदमी का पॉजिटिव नहीं है ना, उसको कितनी ये बातें सिखा दो, उसके लिए काला अक्सर भैंस बराबर होगा, उसके लिए कोई उसका औचित्य नहीं रह सकता। आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखने के लिए सबसे पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आई कैन डू दिस। आपके अंदर ना ये भावना, कोई भी काम आपको दे दिए, आपको कहा जाए ना 2 साल की स्टेटमेंट मुझे आज ही चाहिए, पढ़ा दूंगा, दिस इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड। मुझे भी पता है, मैं भी हो सकता पहले क्लर्क रहा हूं फिर जनरल मैनेजर बना हूं, मुझे भी पता कि एक दिन में 1 साल की स्टेटमेंट तैयार नहीं होती, मैं तो आपको चेक कर रहा हूं। आप कंपनी के, टेस्ला कंपनी के, इलेक्ट्रॉनिक कार्स की टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क की बात अगर देखो, अगर उसकी डिक्शनरी आप लोग पढ़ो ना, तो उस डिक्शनरी में उस आदमी ने लिखा है कि मेरी डिक्शनरी में आई कैन नॉट डू वर्ल्ड ही नहीं, आई कैन डू वर्ल्ड है। बराक ओबामा जब पहली बार राष्ट्रपति बना, तो बराक ओबामा राष्ट्रपति बना जहां जाता था पहले सारी बातें बताते थे, उसके बाद कहते थे बोलो वी कैन, और सभी कहते थे वी कैन, और ऐसा ही हुआ। 2 बार राष्ट्रपति बराक ओबामा बना ओनली बिकॉज ही हैज इन हिज माइंड दैट एवरी जॉब इज पॉसिबल। और अगर मैं जीडी बिरला साहब की बात करता हूं, जीडी बिरला साहब ने कहा है कि वी आर ड्राइवन बाई सम फोर्स, वी आर ड्राइवन बाई सम फोर्स, यू डू थिंग्स विच यू हैड नेवर प्लान्ड। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप डेप्टी जनरल मैनेजर बढ़ोगे जब आप 10वीं में 11वीं में 14वीं में पढ़ते होंगे। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी किसी कॉलेज का प्रिंसिपल भी बनूंगा, हो सकता मैंने कभी यह भी ना सोचा हो कि मैं कभी लेक्चरर भी बनूंगा। सो ये एक कोई ताकत है, कोई फोर्स है आपके पीछे जो आपको एक अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करती है। हर काम जरूरी नहीं कि प्लान होगा, कई बार अनप्लान भी आपके ऐसे काम हो जाते हैं जिसमें आपकी जो है तरक्की होती है, जो आपका जो है रुतबा बढ़ता है। हैव अ पॉजिटिव थिंकिंग। हमारी थिंकिंग कई बार बड़ी निकम्मी थिंकिंग, सोच सोच की अगर मैं बात करता हूं तो दो दोस्तों की सोच की अगर मैं बात करूं, दो दोस्त एक ही 5-स्टार होटल में ठहरे हुए, 5-स्टार होटल की बैक साइड पे एक तालाब है जिस तालाब में कीचड़ है और वो गंदा भी है। दोनों दोस्त अपने अपने रूम से खिड़की खोल के बाहर देखते हैं, खिड़की के झरोखे से जब बाहर झांक कर देखा, खिड़की के झरोखे से जब बाहर झांक कर देखा, किसी ने चांद देखा और किसी ने कीचड़ देखा, किसी ने चांद में भी दाग देखा और किसी ने कीचड़ में भी कमल का फूल देखा। ये देखने देखने का कितना सुंदर होता चांद। वो कह रहा है यार मैंने तो चांद देखा भी उसने ऊपर, देखो नीचे नहीं देखा, ऊपर देखना अच्छी बात होती है, देखा भी उसने ऊपर और ये कहा कि चांद तो है सुंदर तो बड़ा है पर इसके अंदर दाग है। एक आदमी ने नीचे देखा, कीचड़ की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो कहने लगा क्या कमल का फूल है, वो कमल जिस पर सरस्वती विराजमान होती है, कीचड़ में हो रहा है लेकिन सरस्वती जैसी जो जो है चीज उसके ऊपर जो सबसे सुंदर मानी गई है वो अगर उसके ऊपर बैठती है तो इसका मतलब उसमें कोई बात है। इसी तरह से एक गिद्ध चकोर को कहती है कि मैं इतना ऊंचा उठ लेती हूं और तेरे को तो उठना नहीं आता, थोड़ी सी उड़ारी मारती है फिर बैठ जाती है। चकोर उसको जवाब देती है तू इतना ऊंचा उठ के भी मुर्दों के बारे में नीचे सोचती रहती है, मैं नीचे रह के भी हमेशा चांद को प्राप्त करने की इच्छा रखती हूं। आपकी सोच है। इसके अलावा जो है आपको कंपीट विद योरसेल्फ, अपने आप के साथ कंपेयर करो। आज आप 6:45 बजे उठे हो, कल 5:30 बजे उठने का प्रयत्न करो, परसों 5:15 उठने का प्रयत्न करो, 5 बजे उठने का प्रयत्न करो। मिल्खा सिंह वैसे ही क्लाइंट सीखने का लाया है। मिल्खा सिंह अपने आप को कंपेयर करता था। आपने मिल्खा सिंह फिल्म देखी है, मिल्खा सिंह अपना स्टैंडर्ड बढ़ाता चला जाता था। जब मिल्खा सिंह ने राष्ट्रीय स्तर का मैच लगाया तो वो प्रैक्टिस करते करते अपनी बनियान के पसीने को निचोड़ के एक मग भरता था, मग। जब उसको पता लगा कि मैंने ओलंपिक खेलने हैं तो आप फिल्म देखिए वो अपनी बनियान के पसीने से बाल्टी भरनी शुरू कर दी थी, उसने अपना स्टैंडर्ड बढ़ा लिया था। सो कंपेयर विद योरसेल्फ, डोंट कंपेयर विद अदर्स। दूसरों को चुबारा देकर अपने चुबारे की तरफ अपनी मतलब झोपड़ी को मत घेरिएगा आप अपने साथ। मैं कहता हूं आपसे बढ़िया आपका कोई और प्रेरणा स्रोत नहीं है और आपसे बढ़िया आपका कोई और प्रतिद्वंदी नहीं। आप अपने साथ प्रतिद्वंदिता कीजिए ना, आप अपने आप को अपलिफ्ट करने की कोशिश कीजिए जो आपके एटीट्यूड को पॉजिटिव करेगी। इसके अलावा कभी भी आपके सामने बाधा आ जाए घबराना नहीं। स्वामी विवेकानंद की बहुत अच्छी बात मुझे लगती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जिस दिन आपके सामने कोई समस्या नहीं आ रही ना, तो मान करके चलो कि आप तरक्की नहीं कर रहे हो,
आप विपरीत दिशा की तरफ जाए। स्वामी विवेकानंद की वर्डिंग है। इसलिए जो आपके सामने प्रॉब्लम आए उसका सामना करो, फेस करो। सफीन हसन द जंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर ऑफ द 2017 वो कहता है कि मेरी माँ लोगों के घर में रोटियां बनाती थी, मेरा पिता एक इलेक्ट्रिशियन है, और मेरा जब आईएएस का मेन एग्जाम था तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। भगवान का शुक्र कि मेरे लेफ्ट हैंड के ऊपर फ्रैक्चर आता है, मेरा राइट हैंड ठीक होता है और मैं पेपर देके आ जाता हूं। एक्सीडेंट हुआ हुआ आदमी का, और वो कितने रिलैक्स होकर पेपर दे सकता है। फिर कहता जब मेरा इंटरव्यू आया, आई वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन। मैं हॉस्पिटल से इंटरव्यू देने गया था और इंटरव्यू देकर वापिस हॉस्पिटल चला गया था। जब रिजल्ट आया तो आई हैव बीन सिलेक्टेड एज आईपीएस ऑफिसर। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट कि मुझे बाधाओं का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा जो है, आप कई बार ना रिजेक्शन से बड़ा घबराते हो, रिजेक्शन से। आई हैव बीन रिजेक्टेड फॉर द सिक्स टाइम फॉर द पोस्ट ऑफ द इंटरव्यू ऑफ द प्रिंसिपल। मैं 6 बार रिजेक्ट हुआ हूं, 7वीं बार मेरी यहां सिलेक्शन हुई एज ए प्रिंसिपल इन द गुरु नानक कॉलेज। जेके राव, जना जेके रॉलिंग, जेके रॉलिंग जिसने हैरी पॉटर लिखा है, हैरी पॉटर बड़ा मशहूर हुआ था। जेके रॉलिंग ने जब पहली बार हैरी पॉटर लिखा, वो जब पब्लिशर्स के पास गई तो 12 पब्लिशर ने हैरी पॉटर को पब्लिश करने के लिए जवाब दे दिया था कि ये कोई नावल है। और उसके बाद जब ब्लूम्सबरी ने लिखा और वो ही हैरी पॉटर इतना प्रचलित हो गया कि आज हम जेके जो है रॉलिंग का नाम लेते हैं कि ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी हो सकती है। रिजेक्शन होगी। राजकुमारी देवी मुजफ्फरनगर की अनंतपुर की रहने वाली, जिसकी शादी हुई 7 साल तक उसके बच्चा नहीं हुआ, 7 साल के बाद बच्चा हुआ और लड़की हो गई, तो उसके ससुराल वालों ने उसको ये कह के घर से निकाल दिया कि 7 साल तो पहले बच्चा नहीं हुआ, अब हुआ तो लड़की हो गई, घर से निकल जाओ। घर से निकल गई। अपने बच्ची का और अपना लालन पालन करने के लिए उसने अचार बेचना शुरू किया, और इतने इंटरनेशनल लेवल पर उसने अचार बेचा कि उसको 2019 में पद्मश्री अवार्ड मिला। वही राजकुमारी। सो टेक द रिजेक्शन एज द अपॉर्चुनिटी। आप रिजेक्शन को अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मानते हो? फिर क्या होगा, रिजेक्ट हो गए और कहीं आप बेस्ट हो जाओगे। और हो सकता है आपकी रिजेक्शन इसलिए हुई हो कि यू आर नॉट फिट फॉर दैट जॉब, यू आर फिट फॉर अनदर जॉब। अपार्ट फ्रॉम दिस जो है, डू समथिंग यूनिक, हमेशा ना नया करने के बारे में सोचो। पुराना क्या है, पुराना मजा पानी पहाड़ से नीचे आता है, आम बात है, क्या फर्क पड़ता है। आपने पानी नीचे ऊपर से नीचे गिरा दिया, मजा तब है जब पानी को नीचे से ऊपर की ओर चढ़ा के दिखाओ। इसको कहते हैं यूनिक काम। यूनिक काम किया था बिहार के दशरथ मांझी ने। वो दशरथ मांझी जिसकी बीवी को बच्चा होने वाला था और उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए पहाड़ के ऊपर से घूम करके जाना पड़ता था, जो रास्ता अंदाजा 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर था। जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसकी बीवी और बच्चा दोनों मर चुके होते हैं। वजह यह कि वो वक्त पर अपनी बीवी को हॉस्पिटल नहीं ले जा सका। बंदा वहां घबराया नहीं, ये नहीं सोचा कि मेरा बच्चा गुजर गया और मेरी बीवी गुजर गई, अब तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई। नो, उस आदमी ने अगले दिन हथौड़ा सैनी गेंती उठाई, उस पहाड़ को काटना शुरू। कल बंदे अकेले आदमी ने पहाड़ को काटा, वो 15-20 किलोमीटर का रास्ता 4 किलोमीटर का रास्ता बनाया ताकि आने वाले टाइम में किसी का बच्चा और किसी की मां कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका काम करने का जो तरीका है, अच्छा कई बार हम लोग कह देते हैं क्या कर रहे हो, बॉस ने गलत ढोल डाल दिया, गलत वाला ढोल बजा रहा। अरे गलत वाला ढोल ऐसे बजाओ कि आपकी ढोल की तर्ज पर वही बॉस नाचना शुरू कर, ऐसे ढोल बजाओ। सो व्हाट, क्या हो गया गलत वाला ढोल है। इस तरह से कई बार आप अपने घर में झाड़ू लगा रहे होते हैं, आपको आपका दोस्त कहता है अच्छा अपने आप झाड़ू लगा रहे हो, शुक्र है भगवान ने आपको घर दिया, लोग तो लोगों के घरों में झाड़ू लगा करके गुजारा करते हैं। ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड हमेशा आप अपने दिमाग में रखिए। इसके अलावा शिवखेड़ा एक बहुत बड़ा मोटिवेटर हुआ है। शिवखेड़ा ने इंटेलिजेंट लोगों के बारे में कहा है कि कौन विनर होता है, विनर्स डू नॉट डू द डिफरेंट थिंग्स, दे डू द सेम थिंग्स इन अ डिफरेंट वे, अलग तरीके से काम करते हैं। आपका मैनेजमेंट करने का तरीका अगर डिफरेंट होगा, डिफरेंट स्टाइल होगा। जापानी कंपनी, हमारी कंपनीज क्या काम करती हैं, जो मैनेजर होता है उसको एक कमरा छोड़ दूसरा तीसरा चौथा 10वें कमरे के अंदर मैनेजर, जब तक आदमी के सांस फूल जाते हैं कि मैनेजर पता नहीं कितनी बड़ी चीज होगी जिसको मैं मिलने जा रहा हूं। जापान की कंपनी जितनी भी है ओपन, आप रिलायंस पेट्रोल पंप पर जाइए, एक ही छत के नीचे सारा ऑफिस बनता होगा, मालिक भी वही बैठा होता है। दूसरे इंडियन ऑयल के पंप पर जाइए, अब मालिक का अलग कमरा है, मैनेजर का अलग कमरा है। तो आपका जो सिस्टम है
आप लोग जो है अलग तरीके से काम कीजिए। और वैसे भी अगर मैं टीम वर्क की बात करूं, आज का कलयुग है, कलयुग में कहा गया है संग्रह शक्ति कलयुगे, अर्थात अगर आप सभी मिलकर के काम करते हो तो आप कामयाब हो, अगर आप मिलकर के काम नहीं करोगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। सबका भला मांगने के लिए ये बात गरुड़ पुराण पुराण में भी लिखी हुई है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी सबका भला मांगना। आप अगर विकास भारती के, भारत विकास परिषद के अगर आप मेंबर हो तो उसके लोगों के ऊपर लिखा हुआ है किरणवंतो विश्व मारियो, अर्थात सबका भला मांगिए। और ये गुरु नानक खालसा कॉलेज के जिस नाम से गुरु है, हमारे गुरु के नाम से कॉलेज है, गुरु नानक देव जी ने भी कहा है नानक नाम चढ़दी कला तेरे पड़े सबद का भला, अर्थात आदमी को जो है हमेशा हर एक आदमी का भला मानना चाहिए। और अंत में मैं आपको इतना कहना चाहिए चाहूंगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक बात लिखी है, सिर्फ छोटा सा शब्द है मनुर्भव, मनुष्य बनो, इंसान बनो। इंसान कौन है? जो आचरण के मुताबिक काम करता है। तो इसलिए आप आचरण के मुताबिक काम कीजिए, आप भी बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। आप में और इनमें बहुत थोड़ा अंतर है, कल को आप भी इन पदों पर आओगे, कल को आप भी इन कुर्सियों पर आओगे, वजह बस सिर्फ आपको इन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। सो यूको बैंक का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, विशेष तौर पर मैं धन्यवादी हूँ श्री धीरेश शर्मा जी का, श्री के श्रीनिवास राय जो जनरल मैनेजर हैं, डीसीएम साहब हैं, और नीमी चंद जी बलोटिया जी का, श्रीकांत रॉय जी का, वीके शर्मा जी का, और प्रतिभा रतन जी का, और आप सब कर्मचारियों का, विद्यार्थियों का, अध्यापकों का, और यूट्यूब के माध्यम से जो सब लोग इस मेरी बात को सुन रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और मैं नमन करता हूँ, मैं सल्यूट करता हूँ श्री जी डी बिरला जी का, जिन्होंने लोगों को इतनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट दी, लोगों को राह दिया, लोगों को सिखाया कि इंडस्ट्री क्या होती है, लोगों को बताया कि समाज सेवा कैसे की जाती है, लोगों को बताया कि एक छोटे से व्यवसाय से एक व्यवसाय को बहुत बड़ा कैसे किया जाता है। सो मैं आप सबको नतमस्तक करता हूं। और अंत में आप सब कर्मचारियों के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जहां हर नदी मिले वो समंदर, जहां हर सर झुके वो, जहां हर सर झुके वो मंदिर, यूं तो जिंदगी में जंग है बहुत, मगर जो जिंदगी का हर यंग जीत जाए वही सिकंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो
रामायण ही पढ़ते हैं या फिर जो भी अपने अपने धर्म से कनेक्टेड है या हम जिस भगवान को मानते हैं हम उसके बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन आप कितना कुछ पढ़ते हैं आपकी एग्जाम्पल से, आपकी बातों को सुन के, और सिर्फ ऊपर ऊपर की एग्जाम्पल से नहीं, आपने जितना डेप्थ में जाके उन चीजों को बताया तो उससे हमें पता चला कि, और सबसे बड़ी बात सर, एक सिख होने के बाद आपने श्रीमद् भगवद् गीता का आपको इतना ज्ञान है, आप रामायण के विषय में इतना जानते हैं, आपने कैरेक्टर के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में बताया कि जैसा कौन था, वो कौन था, वो कौन था, शायद तक हमने से बैठे हुए यहाँ बहुत सारे लोग उनके नाम भी शायद लोगों ने नहीं सुने होंगे जिनके बारे में आपने एग्जाम्पल दे के हमें बताया। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे पास कोई शब्द नहीं है इस धन्यवाद को कहने के लिए। और मैं अनुरोध करूंगी मैं अपने साथियों से, यदि वो कुछ पूछना चाहें, कुछ कहना चाहें, कुछ बताना चाहें आज के इस बारे में, तो जरूर बता सकते हैं। जी सर, हाँ हाँ सर, आवाज आ रही है, बताइए। मैं सबसे पहले तो क्या सब उससे बाद में आज इस तरह से कृष्ण भगवान को जो दुर्योधन बांधने चला था तो कहा तुम मुझे क्या बांधोगे, मैं तो ब्रह्मांड हूँ, ये दुर्योधन बांध तो सर सब लोग से भी तो बांधा नहीं जा सकता, ये तो निश्चित है। मैं मन से ये कहना चाहूँगा सर, कृष्ण भगवान को 674 श्लोक लगा अर्जुन को समझाने में, मगर आपको मात्र 2 शब्द लगे जीवन को समझाने। आईएएस की पढ़ाई में सर 30% इथिक्स पढ़ाई जाती है और 70% में पूरी सब्जेक्ट होता है, तो आपने जो उस सब को जोड़ा, क्यों आईएएस को इतनी इथिक्स पढ़ाई जाती है कि जब अपने समाज में जाए तो इथिक्स पे विचार करें कि मनुष्य को कैसे हम सेवा देंगे, किस तरह से उसके काम को करेंगे, तो आपने ये इथिक्स के बारे में, इथिक्स कितना भी आदमी हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, जब तक उसका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकता है। तो सर आपने जो सब जो कहे कि माइंड सेट चेंज करने में, आपने सर इतने भाषण में हमें लगता है हम सब लोगों को माइंड सेट चेंज हो गया होगा। खाल जो अपने फ्लाइंग सिख थे उनकी भी उदाहरण दी, किस तरह से आप जीवन को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, किस तरह से आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, कब आप अन्याय का विरोध कर सकते हैं, किस तरह से नारी का सम्मान कर सकते हैं, कितने एग्जाम्पल आपने जो दिया सर, उदाहरण ज्वलंत आज का विषय है, यदि आपके 4-5 शब्दों को ही यदि अपने जीवन में उतार लिया जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। पहला ये कहे आप जिस भी कुर्सी पे पहुंच जाओ सारी कुर्सी किराए की है, आजाद की है, कल मेरी हो सकती है, ये कोई जाति मकान नहीं है, सब किराया किया है, ये हमारे एग्जीक्यूटिव समझ जाए जब वो कुर्सी पे पहुंचते हैं। तो आज के मैं आप अपने सामने बैठे एग्जीक्यूटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, पदार्थ का आजकल बैंकिंग में इतने इनके पर भी दबाव है, ऊपर CMB से दबाव है, सारा चैन रिएक्शन जाता है और ब्रांच मैनेजर पर खत्म हो जाता है। तो सर आज के बैंकिंग के युग में जब सबसे निरा प्राणी में पापाओं को बैंक का आज का शाखा बदलना चाहिए, और आजकल इतनी टेंशन है सर, कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये लिंक समय मिले और मैं अपने जितने हमारे भी इंडियन बैंक से हूँ सर, इलाहाबाद बैंक का मर्जर हुआ, तो ये टॉपिक अपने सारे ब्रांच मैनेजरों को सुनाओ, ये सीखो और आप हत्या मत करो, टेंशन में मत आओ, अपने जीवन को सफल बनाओ सर। तो ये हमारे सारे एग्जीक्यूटिव को मैं भेजने की कोशिश करूंगा कि किस क्षमा वाली जो आपने शब्द कहा है कि आप एक बार क्षमा दान करो, और एक बात आपने जो कही कार्य वाला वही है कि जिसकी सर हमेशा दरवाजा खुला हो, लोग ये न समझे ये दरवाजा बंद हो। थैंक यू सर। धन्यवाद दिनेश्वरी सर। जी सर कहिए सर, जी सर आइए आइए। सर सर कुछ बचा ही नहीं है कि जो भी आपने जितने भी आयाम हैं जीवन के सभी आयामों को लेकर और इतनी सरलता से इतनी सुगमता से इतने हमने ऐसा लेक्चर सर पहले नहीं सुना, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर जो मैंने लाइफ में सुना, और मैं जो सुबह मैं आपको बोला सर हूँ, और
वाली थी कि जो लेक्चर चल रहा था कि एक ऐसा लेक्चर बैंक ऑफ बड़ौदा में भी होना चाहिए, और मैं अपने जो मेरे सीनियर हैं, जो मेरे रीजनल हेड हैं, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा कोई प्रोग्राम बैंक ऑफ बड़ौदा में भी हो, सो दैट कि हम आपके बच्चों को वहाँ पर भी हम सारे सुन सकें। जीवन का कोई क्षेत्र, कोई भी एंगल अपने छोड़ा नहीं, और आज मेरा जीवन आनंदित हो गया सर। पहले तो बांध अनंत गगन,
सोने को साध न सकता है तो मुझे बांध कर सकता है। हे वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना, तो ले मैं भी अब चाहता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र नगर, बरसेगी भू पर पहनी पकड़, फणशेष नाक का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष्माण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू घोषाई होगा, हिंसा का पर भाई होगा। भी सभा सन सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर ना खाते थे, भीष्म विदुर सुख पाते थे, करजोड़ खड़े प्रोदित निर्भय दोनों पुकारते थे, जय 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 जय। जीवन की सबसे बड़ी हमारा अच्छा सर आप बैठे रहे सर, आप प्लीज प्लीज बैठे रहे सर, प्लीजिए सर सर इंडियन बैंक में आना है सर। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी कविता सुनाई आपने, बहुत ही अच्छी कविता एकदम, मतलब जैसे सामने चित्रित हो रही थी इतने अच्छे तरीके से, प्लस में म्यूजिक के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे उप निदेशक श्री धीरे शर्मा सर से कि सर यहाँ पर आए तथा इस कार्यक्रम का जो समाहार है इसके बारे में जो अभी तक हमारा व्याख्यान हुआ प्लस में अपने विचार प्रस्तुत करें सर। धन्यवाद मैडम, आपने मुझे आमंत्रित किया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मंच पर आसीन श्री के श्रीनिवास राव साहब महाप्रबंधक और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मेजर सिंह खेरा साहब, श्री नेमीचंद जी मैडम और सभागार में उपस्थित सभी लोग, अभी अभी आपने डॉक्टर मेजर सिंह साहब देखा कि कितने विस्तृत तरीके से व्यापक तरीके से उन्होंने जीवन के प्रबंधन की बात की जो कि गीता आधारित है। इसको समझने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में जो समस्या है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है। सर ने बताया, उसमें मैं कुछ और भी बताना चाहूंगा कि हमारे पास समय का अभाव है और यदि हम समय प्रबंधन करना जान जाएं तो हमारे जीवन से तनाव चला जाएगा, बहुत सारी चीजें हमारे जीवन से चली जाएंगी, उसमें तनाव। समय प्रबंधन सीधा सीधा तनाव प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। कैसे करना है, सर ने आपको बताया कि प्रतिस्पर्धा दूसरों से नहीं करनी है, किससे करनी है, स्वयं से करनी है। अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करना है, दैनिक रूप से लक्ष्य निर्धारित करना है। जिस यूको बैंक में आप काम करते हैं उस वह यूको बैंक जो है वो आपको क्या क्या दे रहा है, अगर आप एक रात को ठीक से सोचेंगे तो आपका जीवन जो स्थिर है जो अच्छे से चल रहा है उसके लिए यूको बैंक जिम्मेवार है और आपको यूको बैंक को हर दिन धन्यवाद देना चाहिए। उसी प्रकार जिस प्रकार आप जब सुबह उठते हैं तो परमात्मा को धन्यवाद देते हैं कि एक नया दिन और मुझे मिला इस पृथ्वी पर रहने के लिए। हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए लाइफ को, जीवन कभी भी चला जा सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का चलते चलते एक्सीडेंट हो जाता है, खत्म हो जाते हैं लोग, हार्ट अटैक हो जाता है, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, कोई बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो जब आप अगले दिन सुबह उठते हैं तो आप धन्यवाद देते हैं परमात्मा का, जिस भी गुरु को मानते हैं, जिस परमात्मा को आप मानते हैं तो उसको आप धन्यवाद देते हैं। और काम कैसे करना है यह जरूरी है, यह गीता में लिखा हुआ है कि हम लोगों को निष्काम भाव से काम करना है। कोई भी काम करना है उस
इसके फल की हमें प्रतीक्षा या चिंता नहीं करनी है, सोचना नहीं है कि क्या परिणाम आएगा जीवन में। आप काम कर दीजिए, परिणाम आएगा, क्योंकि जीवन कार्य कारण नियम से बंधा हुआ है। जीवन में आप किसी को एक पत्थर मारिए, उधर से देखिए दूसरा पत्थर आपकी तरफ आ सकता है, या शब्दों का अभाव होगा तो गाली आ जाएगी। अगर व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा होगा तो शब्दों में आपको बोल सकता है कि क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो, लेकिन वो प्रतिध्वनि आती है किसी न किसी रूप में। फिर काम कैसे करना है, होश पूर्वक करना है, बोध पूर्वक करना है। इस समय जब मेजर सिंह साहब आपको बहुत कुछ बता रहे थे, तो कितने लोग यहाँ पर उपस्थित थे, पूरे 1.5 घंटे 2 घंटे कितने लोगों का माइंड यहाँ से, कोई ऑफिस चला गया होगा, कोई अपनी गाड़ी में बैठ गया होगा, कोई अपने घर में पहुंच गया होगा, कोई अमेरिका होगा, कोई इंग्लैंड होगा, यहाँ उपस्थित हम प्रेजेंट है ही नहीं। तो भूतकाल में नहीं रहना है, भविष्य काल में नहीं रहना है, वर्तमान क्षण में रहना। बहुत छोटा क्षण होता है वर्तमान का, मैं कुछ बोलूंगा और वो गुजर जाएगा। तो आपको वर्तमान में रहना, और वर्तमान में आप रहेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ध्यान की विधि कहती है कि आपका तनाव चला जाएगा। आप जैसे ही वर्तमान से इतर होते हैं, इधर उधर होते हैं और आप कहीं और चले जाते हैं, तो गाड़ी चलाते समय एक्सीडेंट हो सकता है। कैसे? क्योंकि आप चला रहे हैं गाड़ी और लड़ाई कर रहे हैं अपनी पत्नी से या पति से, घर में लड़ाई की अवस्था है, मानसिक अवस्था क्या है, लड़ाई की अवस्था है, और अचानक सामने एक गाड़ी आई और टक्कर हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि आप एब्सेंट थे। अगर आप प्रेजेंट होते, अगर आप उपस्थित होते, तो लड़ाई नहीं होती, टक्कर नहीं होता, कुछ नहीं होता। फिर आगे मैं आपको बताऊं, होश पूर्वक, बोध पूर्वक। और गीता के विषय में डॉक्टर साहब ने बताया कि गीता एक धर्म ग्रंथ है, गीता मनोग्रंथ भी है। ठीक है, आप देखिए अर्जुन को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अर्जुन पूरी तरह से एक मनोरोग से सफर कर रहा है, और उसको मनोरोग से निकालने के लिए ये कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया पूरा। ये अर्जुन को नहीं निकाल रहा है, ये हम सभी लोगों को निकाल रहे हैं। तो गीता को यदि हम पढ़ेंगे, गीता की टीका टिप्पणी है, गीता पर बहुत सारे लोगों, जैसे डॉक्टर साहब ने आज अभी बताया बहुत सारी बातें, तो अगर आपको मौका मिले तो आप 2 किताबें जरूर पढ़िए। एक है गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक जी का, उसको आप पढ़िए, खरीदिए, अपने लाइब्रेरी में मंगवा लीजिए, आप खुद भी खरीद सकते हैं। और अगर आप ओशो की टीका पढ़ेंगे गीता पर, तब आपको पता चलेगा कि गीता को कितना बृहद, कितना विस्तार उन्होंने बताया। पढ़ने के लिए तो आप ओशो का 1 ओंकार सतनाम भी पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ा हूँ और मैं प्रभावित हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको कहता हूँ, आप पढ़े नहीं तो सुन ले, ऑडियो भी अवेलेबल है, तो उसको आप सुनेंगे तो आपको पता बताया जाएगा, ध्यान की विधियां बताई जाएंगी कि गीता में क्या कहा गया। गीता के श्लोक हमारे समझ से बाहर हैं क्योंकि संस्कृत में है, 1-2 श्लोक हम मुश्किल से जान पाते हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें सुनना है उन भाषाकारों को जिन्होंने गीता पर टीका कही। अगर गीता की टीका हम पढ़ लेते हैं, सुनते हैं, तो सरलता से हिंदी में हमें उसको समझने में आसानी होगी। डॉक्टर मेजर सिंह साहब ने बहुत सारी और बातें बताई, जिसमें बताया कि योजना बनाने की आवश्यकता, होश में प्लानिंग कीजिए, दिन में कैसे काम करना है, कल कैसे काम करना है, परसों कैसे काम करना है, मासिक लक्ष्य क्या होगा, जिससे कि आपका यूको बैंक और बढ़े, तेजी से बढ़े आगे। 76,000-80,000 मायने नहीं रखता है, अगर आप काम करेंगे तो धन भी, जो आपका हिस्सा है, जो कंट्रीब्यूशन है, जो एक अधिकारी उसमें या कर्मचारी योगदान दे रहा है, वो और भी देगा। परानुभूति की बात उसने साहब ने कही, सहानुभूति की बात कही, कि दूसरे के साथ थोड़ा सिंपैथेटिक होना चाहिए कि सामने वाला किस मनस्थिति से गुजर रहा है। अगर कोई छोटा कर्मचारी आता है और मैं उसको डांट दूं तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो हो सकता है बीमार हो सकता है, घर से लड़के आया हो, कोई और समस्या हो, तो उसके बाद ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हम लोग सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर वो पीछे जाके बैठ जाएगा और पूरे दिन भर काम नहीं करेगा, वो मानसिक समस्या से जुड़ा रहेगा। तो इन सभी चीजों को आपको जोड़कर देखने की आवश्यकता है, तभी पता चलेगा कि जीवन जो है वो चुनौतीपूर्ण है, और उस चुनौती का मुकाबला हमको कैसे करना है। अभी एक साहब ने बहुत अच्छी कविता सुनाई, रामधारी सिंह दिनकर की, कृष्ण की चेतावनी है, कृष्ण के बिना, कृष्ण और गीता को अलग करके हम नहीं देख सकते, कृष्ण और गीता का अन्य आश्रय संबंध है,
कृष्ण है तो गीता है, और गीता तभी है जब कृष्ण है। तो कृष्ण के विषय में ओशो क्या कहते हैं, मैं दो चार पंक्तियां बताता हूं आपको, उसको सुन लीजिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा। मनुष्य जाति के इतिहास में कृष्ण अकेले ऐसे व्यक्ति हैं या ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जो दमनवादी नहीं है, जो कुछ दबाते नहीं है। हम लोग बहुत कुछ सप्रेस करते हैं। उन्होंने जीवन के सभी रंगों को स्वीकार कर लिया। कृष्ण जो है, आगे आप सुनेंगे, वो प्रेम से भागते नहीं है, वो पुरुष होकर भी स्त्री से पलायन नहीं करते, वे परमात्मा को अनुभव करते हुए भी युद्ध से विमुख नहीं है। देखिए, एक साधु संत कहता है कि मैं युद्ध नहीं करता, ठीक है, मुझे झगड़ा से कोई लेना देना नहीं है। बुद्ध को देखिए, महावीर को देखिए, नानक को देखिए, लेकिन कृष्ण को अगर आप देखेंगे तो आप अलग पाएंगे। वे परमात्मा को अनुभव करते हुए भी युद्ध से विमुख नहीं है, वो करुणा और प्रेम से भरे होते हुए भी युद्ध में लड़ने की सामर्थ्य रखते हैं और करते हैं। युद्ध के मैदान में वो खड़े हैं, अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन तू भाग ना, तू युद्ध कर। दूसरा अगर संत होता तो क्या कहता, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। और आगे कहते हैं, अहिंसक चित्त है उनका, हिंसा में एकदम भरोसा नहीं करते हैं, कौन, श्री कृष्ण। फिर भी हिंसा के ठेठ दावानल में उतर जाते हैं। हिंसा कहां हो रही है, महाभारत के युद्ध में हिंसा हो रही है, और उसमें कृष्ण भाग नहीं रहे हैं, वहां ऐसे खड़े हैं, सब लोग विचलित हैं, क्या होगा कैसे होगा, और एक ही व्यक्ति है वहां जो विचलित नहीं है, वो है कृष्ण। अमृत की स्वीकृति है उन्हें, लेकिन जहर से भी कोई भय नहीं है। क्यों ऐसा है, क्योंकि वो मोक्ष को उपलब्ध व्यक्ति है, परम ज्ञानी है कृष्ण। और सच तो यह है कि जिसे भी अमृत का पता चल जाए, उसे जहर का भय मिट जाना मुश्किल है। अगर अमृत का जिसको पता चल जाता है, तो जहर का भय उसके अंदर से चला जाता है। क्यों, क्योंकि अमृत को वो पहचानते हैं। कृष्ण अकेले हैं जो शरीर को उसकी समस्ता में स्वीकार करते हैं। कृष्ण को छोड़कर और पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में ज़ोरास्टर ही दूसरा व्यक्ति है जो जन्म के समय हंसता हुआ पैदा हुआ था। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो भारत के पूरे इतिहास में एक श्री कृष्ण ही है जो पैदा होते हैं, पैदा होते समय ही हंसते हुए पैदा होते हैं। बुद्ध जब पैदा होते हैं तो रोते हुए पैदा होते हैं, 8 कदम चलते हैं और कहते हैं जीवन दुख है, दुख का कारण है। वो भी सिद्ध पुरुष हैं, कृष्ण भी सिद्ध पुरुष हैं। और आगे जब है, कृष्ण को छोड़कर और पूरे मनुष्यता के इतिहास में ज़ोरास्टर ही दूसरा व्यक्ति है जिसके बाबत कहा जा सकता है कि वो हंसा था जन्म के समय। सभी बच्चे रोते हैं, ये ओशो बता रहे हैं, सभी बच्चे, कोई ऐसा बच्चा नहीं होता, हम लोग जब पैदा हुए हैं तो हम लोग रोए हैं। यह सूचक है इस बात का कि अभी हंसती हुई मनुष्यता पैदा नहीं हुई। सिर्फ 2 एक्सेप्शन है, बाकी सब लोग हम लोग रोते हुए हो। और कृष्ण तो हंसती हुई मनुष्यता को ही स्वीकार करते हैं। इसी से बहुत सारे समीक्षक कहते हैं कि कृष्ण अपने समय से बहुत पहले पैदा हो गए। कृष्ण 5000 वर्ष पहले पैदा हो गए अपने समय से। जब कृष्ण को हम समझेंगे, जिनको हम नहीं समझते हैं उनकी हम पूजा करना शुरू कर देते हैं, उनका हम बर्थडे मना लेते हैं, हैप्पी बर्थडे कर देते हैं, कुछ लोग केक भी काटते हैं, कुछ लोग पूजा भी करते हैं। कृष्ण को कैसे अपनाएं, गीता में पूरा सार लिखा हुआ है कि क्या क्या करें जिससे कि हमारा जीवन है वो मनोरोग की समस्या से दूर हो जाए। और अंतिम पैराग्राफ में बता रहा हूं, वो अकेले दुख के इस महासागर में नाचते हुए छोटे से द्वीप हैं। कृष्ण के लिए कहा गया जीवन विराट दुख है। युवावस्था में शायद नहीं पता चलता है, लेकिन वृद्ध लोगों के पास अगर आप जाएंगे तो पूछेंगे तो पता चलेगा, वो बताएंगे कि जीवन बहुत बड़ा दुख है, 10 साल 20 साल काटना बड़ा मुश्किल होता है। और हम ऐसे भी समझे कि उदास और निषेध है और दमन और निंदा के बड़े मरुस्थल में वो छोटे से नाचते हुए मरु ध्यान की भांति है। कृष्ण की व्याख्या हो गई, कृष्ण कौन है उनको समझना बहुत जरूरी है। वे हमारे जीवन की धारा को नहीं प्रभावित कर पाए, कौन, कृष्ण नहीं प्रभावित कर पाए। अगर प्रभावित कर दिए होते तो हम कृष्ण के हिसाब से जीवन जीना शुरू कर देते, हम ही इस योग्य न थे और हम उनको साथ नहीं कर पाए। कृष्ण को जीने की आवश्यकता है, कृष्ण को जीने कैसे जिएंगे, हम गीता पढ़कर जिएंगे, गीता के माध्यम से जिएंगे। और जिस दिन हम कृष्ण को गीता के माध्यम से जीना शुरू करेंगे, हमारे जीवन में से उदासी चली जाएगी, सुख दुख चला जाएगा, आनंद की अवस्था आएगी, परम आनंद की अवस्था।
आनंद की अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें सुख नहीं होता, दुख भी नहीं होता। सुख क्या है? फ्रिज आ गया तो सुखी हो गए हम, खुश हो गए। अब फ्रिज टूट गया तो क्या हो गया? दुखी हो गए हम। वस्तु विषय है सुख दुख, लेकिन आनंद शब्द जो है एक ऐसा शब्द है जिसमें सुख दुख से कोई लेना देना है। साक्षी भाव से होश पूर्वक बोध पूर्वक जीवन को जीने की आवश्यकता है। मैंने इस पुस्तक को जब ठीक से देखा तो उसमें पता चला कि ये सारी बातें ओशो क्यों बता रहे हैं। वो सुमित्रा नंदन पंत, आप लोग सभी लोग परिचित होंगे, शायद परिचित तो हैं। सुमित्रा नंदन पंत ने पूछा है उनसे कि भारत के धर्माकाश में चार चमकते हुए सितारों का नाम बताइए। तो उन्होंने कहा है कृष्ण, बुद्ध, पतंजलि और गोरख। और कृष्ण को सबसे पहले रखा और उसकी पूरी व्याख्या कृष्ण मेरी दृष्टि में किताब है, कृष्ण स्मृति किताब है। उसको अगर आप पढ़ेंगे, किसी को भी पढ़ने से अगर आपका जीवन रूपांतरित होता है, आपके जीवन में आनंद की अवस्था आती है, तो आपका जीवन प्रबंधित होता है, तो गीता वो किताब है। गीता पर उसकी टीका है, उसको आप पढ़िए। आप बाल गंगाधर की किताब है गीता रहस्य, उसको आप पढ़िए। बहुत सारे भाष्यकार हुए हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब इतना सुंदर बोलते हैं, आप इनको बार बार जब भी मौका मिले सुनिए। शायद ऑफिस कार्यालय के समय के बाद भी इनको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि और भी बोल सकते हैं। यहाँ तो समय का अभाव था तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बोलने के लिए आमंत्रित किया। और मैं मंचासीन सभी वरिष्ठ लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि सर आपने मुझे बुलाया। धन्यवाद। सर ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पर आए और हमें आपको सुनने का मौका मिला। आपने सर आज के कार्यक्रम का जो निचोड़ है, निष्कर्ष है, उसे बहुत ही सारगर्भित शब्दों में हमें दिया। आपने भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही सुंदर शब्दों में, बहुत ही मतलब हालांकि उनको परिभाषित तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आपने उनके बारे में हमें जो भी बताया बहुत अच्छा है। प्लस में आपने भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, हम उसको हमें पढ़ना चाहिए, हमें उनसे क्या भगवत गीता से हमारे जीवन में किस तरह से हम अपने बदलाव ला सकते हैं और एक आनंद की अवस्था में जा सकते हैं, आपने उस बारे में बताया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक मिनट आना चाहिए, आइए। अच्छा डॉक्टर देवी भुजेल जी, सर कुछ कहना चाहेंगे? आइए सर। Thank you very much, ma'am, dignitaries on the dais and of the dais, and dear students. I would like to say that it is the first time that employees of the UCO Bank, they are listening Dr. Major Singh Khera. We are listening, sir, every day, and I have listened almost a lecture of Dr. Major Singh Khera, and I want to say that your every lecture is, sir, unique one. One more thing I would like to say that here you have listened, sir, and you come to know that sir is a great orator. But I want to add more things that sir is not only a great orator, he is a great administrator, educator and motivator. We are lucky enough that we find him as a principal. We are learning a lot from sir. And now the talk was going on about Gita. I'm not elder enough to say anything, but whatever I have learned about Gita, I want to say it. That this is the conclusion of the life. मुझे भी कई बार लगा, कई बार अवसाद जिंदगी में आ जाता है कि क्या करें। सर मुझे मौका मिला, मैं श्री श्री रविशंकर जी के वहां भी गया, तो बहुत अच्छी चीजें हैं सीखने की। ब्रह्म कुमारी है, वहां पे भी मुझे जाने का मौका मिला, मेरा इंटरेस्ट है। और कभी लगता है कि जिंदगी है क्या, थोड़ा सा सीखें। और सनातन धर्म में मैं ब्राह्मण फैमिली से हूं, तो सनातन धर्म में शुरू से रहे, गीता के बारे में, रामायण के बारे में बचपन से ही पढ़ते रहे हैं। सिख कॉलेज में यहां काम करता हूं तो गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में भी सुनने को मिलता है।
लेकिन एक कहीं ना कहीं एक ऐसी आस्था होती है कि कहीं पे जाके जो है मन टिकता है किसी व्यक्ति का, तो वो मैं कहूं कि जिंदगी का सार क्या है जो मुझे मिला, मुझे लगा कि गीता जो है एक ही लाइन में भगवान कृष्ण ने जो एक ही लाइन कही है कर्मण्येवाधिकारस्ते का रस्ते, वहीं पे आदमी का सारा जीवन जो है उसी से चल सकता है कि कर्म कीजिए। अब कर्म को आप थोड़ा सा देखिए कि डू योर ड्यूटी व्हाट एवर यू कैन डू। अगर आप एक घर में आप बेटे हैं तो बी अ गुड सन, अगर आप फादर हैं तो एक अच्छे पिता बनिए, अगर आप एक एम्प्लॉई हैं तो एक अच्छे एम्प्लॉई बनिए, अगर आप बेटे हैं एक अच्छे बेटे आप बनिए, अगर आप कलीग हैं तो अच्छे कलीग बनिए। मुझे लगता है कि अगर यही कोशिश हम करें बस ये जिंदगी हमारी जो है वो पार हो जाएगी, और मुझे लगता है कि कोई टेंशन नहीं है। सो वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू द यूको बैंक दैट दे हैव ऑर्गेनाइज्ड सच अ वंडरफुल फंक्शन, वंडरफुल प्रोग्राम इन द प्रीमाइसेस ऑफ आवर कॉलेज। सो ऑन बिहाफ ऑफ आवर मैनेजमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल सर, ऑन बिहाफ ऑफ आवर टीचर्स and students, we are very thankful to the UCO Bank. Thank you very much. Thanks all. धन्यवाद सर, जैसा आपने बताया आप तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आपको रोज सर को सुनने को मिलता है, आप रोज सुनते हैं, आप उनके साथ रहते हैं, पर आज ये सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ, हमारे सभी साथियों ने सुना, इसके लिए हम एक बार पुनः आपके कॉलेज का आपके और सर अब हम एक छोटी सी भेंट सर को देना चाहेंगे, हम सर का सम्मान करना चाहेंगे। मैं अनुरोध करूंगी हमारे अंचल प्रमुख श्री के श्रीनिवासा राव सर से कि वे शॉल से डॉक्टर मेजर सिंह खेरा जी का सम्मान करेंगे। सभी साथी ताजा पार्टनरशिप है, ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जहाँ पे हमारे लिए
कुछ बोलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो बैठे बैठे बहुत कुछ हमने सुना। मैं उस विषय पे ना तो उतना हमारा ज्ञान है, ना तो हम उस पे कुछ बोल पाएंगे, लेकिन जो भी हमने सुना, जिस भी तरीके से हमने सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। और जैसे कि मैडम ने हमारे को पहले ही बताया कि मैं अपने बैंक के प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊं, लेकिन अभी जो हमारे जो प्रतिभागी हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें, तो इसमें हम स्पेशली अपने बैंक के बारे में मैंने सोचा बताना कोई जरूरी नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स मोर और लेस सेम है। मैं थोड़ी सी आज के समाज या आज की परिस्थिति में जो बैंक का योगदान है उसमें थोड़ा सा आपको अवगत कराऊंगा, बहुत संक्षिप्त रखूंगा। बहुत इजी एक डेफिनेशन है बैंकिंग का, जो हम बचपन से स्टैंडर्ड 9 की इकोनॉमिक्स बुक से पढ़ सकते हैं। इट्स एन इंस्टीट्यूशन व्हिच कीप्स डिपॉजिट्स एंड लेंड्स टू अर्न प्रॉफिट। बहुत आसान सा एक डेफिनेशन है, बट आज के लेवल पे अगर बैंकिंग की अगर बात करें तो उसकी डेफिनेशन काफी हद तक बदल गई है, पूरी तरह से बदल गई। मैं उसको एक एंड टू एंड सोल्यूशन बोलता हूँ। मैं नहीं, एक वाकई एक एंड टू एंड एक सोल्यूशन है बैंकिंग इंडस्ट्री। अगर आप इसको ध्यानपूर्वक थोड़ा सा अगर इस पे जोर डालें तो आपको ये समझ आएगी। देखिए, वी आर अ कंट्री ऑफ यूथ। बहुत बार हमारे बहुत नेता इस बात को बोलते हैं, मैं शशि थरूर जी को काफी अच्छी तरह से फॉलो करता हूँ, वो बहुत प्रेडोमिनेंट एक बात बोलते हैं कि इंडिया का जो एवरेज एज है वो 34 से 35 के बीच में है, विच मेक्स इंडिया वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ नेशन जिसकी यूथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यूथ सिर्फ एक इंडेमिटी नहीं है या फिर एक वो संसाधन नहीं है जिसको मैं बेच के खा सकता हूँ। तो देश की प्रगति के लिए जिस तरह से यूथ की जरूरत है, वो यूथ तो है हमारे पास, पर जो सबसे बड़ी जरूरत है, जो आपके कॉलेज या हमारे इस प्रतिष्ठान जो प्रदान करते हैं, वो एजुकेशन है, एडुकेटेड यूथ। चलो बच्चों को पढ़ा तो लिया, नौकरी कहां से देंगे, संसाधन हमारे पास क्या है। यहां से आती है पहली टिप्पणी बैंकिंग की, जो हम स्टार्ट करते हैं कि जब आप पढ़ रहे हो एक लेवल के बाद, आज के दिन में अगर आपको आगे बढ़नी हो तो आपको पढ़ाई में कुछ ना कुछ उत्तीर्ण होना पड़ेगा, चाहे वो आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करो, MBA की बात करो, मेडिकल की पढ़ाई करो, कुछ भी करो। एंड नथिंग कम्स फ्री, आज की दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता, आपको खर्चा करना पड़ता है, यू हैव टू स्पेंड मनी हर जगह पे, कुछ ना कुछ तरीके से आप उस चीज को समझते हो। वहां खड़ा होता पहला आपके लिए बैंक, आपको कोई गारंटी जरूरत हो आपके लिए एजुकेशन लोन, हमारे नेशनलाइज बैंक, प्राइवेट बैंक, सारे बैंक इस चीज को प्रोवाइड कराते हैं। हालांकि मैं बोलूंगा नेशनलाइज बैंक की पॉलिसीज काफी ट्रांसपेरेंट है और काफी हद तक हम चूजों को छुपाते कम है, गवर्नमेंट की बैंक से, गवर्नमेंट की स्कीम के हिसाब से चलते हैं। तो पहला चीज जो आपको पढ़ने में मदद करे वो बैंक है। चलो आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद अगर आपको नौकरी मिल जाती है, वेल एंड गुड। दो तरीके के पढ़ाई के बाद किस तरह आ जाती है, अगर आपको नौकरी करनी है आप कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोग अपने आप को नौकरी के बंधन में नहीं रखना चाहते हैं, वो उनका चिंताधारा, उनकी चिंतन का विषय बहुत वाइड हो जाता है, वो एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, वो तकनीकी को अपनाते हैं, वो बहुत कुछ चीजों को अपनाते हैं। तो जब वो अपनाने की बात आए और आपको आपे को पूंजी की जरूरत हो, तो कोई भी आज के दिन में कुछ भी, मैंने आपको पहले ही बोला, फ्री का नहीं मिलता है। आज अगर आप सोनी क्या एक प्रोग्राम है बहुत अच्छा चल रहा है, शार्क टैंक इंडिया, उसमें अगर आप उस चीज को देखोगे तो आपको बहुत अच्छा एक चीज अमन गुप्ता जी बताते हैं, जो बोर्ड के फाउंडर है, कि भाई देखो यहाँ तुमको पैसा मिलेगा, बाकी जो मिलता है वो फ्री का है, अंडर कोटेशन कुछ और लाइन यूज करता है। वहां पे भी जो स्थिर लोग जाते हैं वो भी एक पूंजी के ऊपर खड़े होके स्टेबल होके जाते हैं, क्योंकि लेकिन बैंक एक ऐसा संसाधन है जो रेडी वाले से लेके, जहां पे सर ने पहले बोला कौन टाटा बिरला की बात हम बोलते, बहुत अमीर होते हैं। आज के दिन में भी अगर आप देखो सर, टाटा ने एयर इंडिया को लिया, उसको भी पूंजी की जरूरत पड़ी, वहां भी बैंक आया पूंजी देंगे। तो एक रेडी वाले से लेके टाटा मैनेजमेंट जैसे इतने बड़े प्रतिष्ठान को जहां जहां पे पूंजी की जरूरत पड़ती है वहां बैंक आती है। तो अगर आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, कोई भी एंटरप्रेन्योर कॉन्सेप्ट से आते हो, कोई भी चीज अपनी अपने हिसाब से उस चीज को डेवलप करना चाहते हो, तो बैंक आपके लिए खड़ा है। तीसरे विषय में आ जाते हैं, जैसे सर से जैसे बीच में मैं बात भी कर रहा था कि किसानों के लिए क्या है, एक किसान का बेटा कैसे आगे बढ़ेगा। तो सरकार ने भी बहुत सारे स्कीम्स बैंकों को दिया है, लेकिन बैंकों को दिया इसलिए है ताकि लोग बैंकों से जुड़े। वो हर एक चीज जो हम इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल और या फिर मॉनेटरी डिविजन्स की बात करते हैं, वो सारे चीजें बैंकों के थ्रू हो।
और उन सभी एग्रीकल्चरिस्ट या उनके उनके जो प्रजन्म है उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने हमारे को रखा। तो अगर आप एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से इंटरेस्टेड में कोई काम करना चाहते हैं फिर आपके पास बैंक है। अभी जो सर ने कुछ पहले सर धीरज जी ने बोला था कि प्रोडक्ट का जो सुख होता है, कोई भी चीज, आपको नौकरी मिल गई, आप बिजनेस कर रहे हो, पर आपको घर की जरूरत है, आपको कार की जरूरत है, आपको हर एक चीज की जरूरत पड़ जाती है, टीवी, एसी, फ्रिज, कुछ भी हो, आपका आज के दिन में अगर मैं नैतिकता की बात करूं तो जो आपका रोजगार होता है उससे कहीं ज्यादा आपके खर्चे होते हैं, तो वो खर्चे को भी बैंक बेयर करता है। वो आपको पर्सनल लोन्स देता है, वो आपको रहने के लिए घर का लोन देता है, गाड़ी के लिए लोन देता है, हालांकि खर्चे आपके बढ़ा देता है, लेकिन किसी भी तरह से वो देखो तो एक इकोनॉमी को ग्रो कराने में बैंक का बहुत बड़ा योगदान रह जाता है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि इसमें मैंने अपनी बैंक के बारे में ज्यादा बताया नहीं, हर एक बैंक के ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, एग्रीकल्चर लोन, आपके कंज्यूमर लोन्स, पर्सनल लोन्स, हर तरह के लोन्स हैं। अब अगर आपकी आ जाती है बात बचत की, तो बचत के लिए भी आपके आपके पास सारे संसाधन सारे बैंकों के पास रहता है, आपके सेविंग के, आपके एफडीज की, आपके पैसे की, हम आपके पैसों का आपके नजर में भी रखते हैं और आपको बढ़ोतरी भी प्रदान करते हैं। तो आप सबसे यही आग्रह करूंगा सर, बैंकिंग से जुड़े, बैंकिंग एक बहुत अच्छी संस्था है, और एम्प्लॉयमेंट पे की अगर बात करें तो बैंकिंग ऐसा क्षेत्र है भारत में जो तीसरा सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करता है। तो बैंकों के साथ जुड़े, और जैसे कि सर ने कहा सर, जो महिला सम्मान के बारे में आपने कहा सर, हमारा बैंक सर 43% जो स्टाफ रहते हैं वो सर फीमेल है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिया। तो सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैडम को स्पेशली धन्यवाद मुझे मंच पे आमंत्रण करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। हमारी बहुत सारी शाखाएं हैं यहाँ पर, आपको किसी भी तरीके की कोई सुविधा, कोई भी सुविधा का लाभ लेना हो, कोई एजुकेशन लोन या इस तरह से आपसे रिलेटेड कुछ है, तो आप जरूर हमारी शाखाओं में आए और हमारी सेवाओं का लाभ लें। अब मैं अनुरोध करूंगी आज के कार्यक्रम के समापन पर हमारे उप अंचल प्रमुख श्री नेमी चंद बलोटिया जी से कि सर यहाँ पे आए तथा धन्यवाद दिया। धन्यवाद प्रतिभा जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्राचार्य गुरु नानक खालसा कॉलेज के प्राचार्य श्री डॉक्टर मेजर सिंह खेड़ा साहब, उप निदेशक राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई करनाल, गुरु नानक खालसा कॉलेज के अध्यापकगण, विभिन्न बैंकों एवं केंद्र सरकार के कार्यालयों से शामिल हुए अधिकारीगण, गुरु नानक खालसा कॉलेज के विद्यार्थी तथा यूको बैंक के हमारे स्टाफ सदस्य, आज के इस प्रोग्राम में खेड़ा साहब ने जो उद्घोषण और जो हमें बातें बताई वो वाकई तारीफ के काबिल है। और हमने पहले हमारे बैंकिंग स्टाफ और साथियों ने पहले कभी ऐसा भाषण नहीं सुना होगा, और ऐसी जो बातें बताई और मोटिवेशनल भाषण दिया, और हमें जो आगे के जीवन में जो काम आएगा वो बहुत ही मान्य रहता। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हमारी बैंक की स्थापना सन 1943 में घनश्याम दास जी बिरला साहब ने की थी, और तब से निरंतर हमारी बैंक हमारे देश की प्रगति में, हमारे देश के आर्थिक उत्थान में हमेशा तत्पर रही है, और करीब शाखाएं हमारे यूको बैंक की है जो कि पूरे देश में और करोड़ों ग्राहकों की सेवाएं प्रदान कर रही है, और हमें आशा है निरंतर हमारी बैंक सेवाएं प्रदान करती रहेगी।
आज की इस व्याख्यान माला में सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ हमारे मुख्य अतिथि एवं वक्ता डॉक्टर मेजर सिंह खेड़ा जी का, जिन्होंने आज हमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में श्रीमद् भगवद गीता को जोड़कर महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैं धन्यवाद करता हूँ श्री धीरज शर्मा जी का, जिन्होंने अपने व्यस्तम समय में से समय निकाला तथा हमारे इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे अंचल प्रमुख श्री के श्रीनिवासा राव जी का, जिनके नेतृत्व में इस व्याख्यान का आयोजन किया गया। मैं धन्यवाद करता हूँ गुरु नानक खालसा कॉलेज के अध्यापक गण का, जिनके सहयोग से हम इस व्याख्यान माला को सहजता पूर्वक कर सके। मैं धन्यवाद करता हूँ विभिन्न बैंकों एवं केंद्र सरकार के कार्यालयों में शामिल हुए अधिकारी गण का कि वे यहाँ आए और इस व्याख्यान माला को सार्थक बनाए। मैं धन्यवाद करता हूँ गुरु नानक खालसा कॉलेज के विद्यार्थियों का जो इस कॉलेज में अध्ययन अच्छा है। मैं कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु श्रीमती प्रतिभा रतन एवं श्री गौरव डिंगरा जी का धन्यवाद करता हूँ। मैं यूको बैंक के उन सभी स्टाफ सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस आयोजन में अपना सहयोग दिया। एक बार पुनः मैं गुरु नानक खालसा कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मेजर सिंह खेड़ा जी तथा कॉलेज के सभी अध्यापकों एवं मैनेजमेंट का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमें इस आयोजन हेतु कॉलेज परिसर उपलब्ध कराया तथा हमारे इस आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। धन्यवाद।